हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस गेट 2018 टू 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, वो हम सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जाम डेट आपकी बिल्कुल पास आ गई है, तो जो आपका एग्जाम है वो है आपका 4/5/2024। ओके, तो आपका एग्जाम बिल्कुल पास में आ गया है। आज 27 हो गई है और 4 फेब को आपका एग्जाम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लेकर आए हैं। लेक्चर थोड़ा लेंथी होने वाला है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, और इस टाइम पे ज़रूरी होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ही आपको ये भी समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इससे पिछला जो हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने LPP डिस्कस किया था, तो वो भी आप देख सकते हो। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको LPP भी मिल जाएगा। लीनियर अलजेब्रा भी आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा के भी आप चेक कर सकते हो, लीनियर अलजेब्रा भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें रियल एनालिसिस की, तो रियल एनालिसिस भी आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, तो ये भी आप मेरे चैनल पर जाइए, PD टेक मैथ के नाम से है, वहाँ पर आपको ये कंप्लीट मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 में आपके जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस आए थे वो आपके 4 क्वेश्चन थे, एंड 2022 में आपके 4 क्वेश्चन आए हुए थे, 2021 में आपके 5 क्वेश्चन आए हुए थे, एंड 2020 में आपके 6 क्वेश्चन आए हुए थे, एंड 2019 में आपके 5 क्वेश्चन आए हुए थे, 2018 में आपके 6 क्वेश्चन आए हुए थे। तो अगर हम एवरेज मान के चलें तो आप 4 to 6 क्वेश्चन आप मान के चलो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आते ही आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़रूरी है, देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ पे आपके जो थ्योरम्स है वो भी आपको पता चल जाएगा कैसे अप्लाई करने हैं, क्योंकि थ्योरम का प्रूफ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं 2023 में। ठीक है, चलो 2023 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्या है, लेट डी, आपके पास एक डी है, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स जेड इन सी सच दैट मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1। आपके पास जो डी है यहाँ पे आपको एक ओपन यूनिट सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें डी की, तो डी आपके पास ये है, दिस इज 1-1 iota एंड -iota, कॉम्प्लेक्स की बात है, कॉम्प्लेक्स प्लेन की। ओके, तो दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो यहाँ पे हमें ओपन यूनिट डिस्क है तो बाउंड्री कंटेन नहीं होगी, तो बाउंड्री यहाँ पे ये डॉटेड आएगी। ठीक है, तो ये आपके पास डी है, इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स कहाँ पे है, डी में। एंड लेट एफ फ्रॉम डी टू सी, एक फंक्शन इसने डिफाइंड कर दिया, कैसे डिफाइन किया, डिफाइंड बाय एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड -25z³ प्लस z^5/5 -z^7/7 प्लस z^9/9 -z^11/11। ओके ओके, फंक्शन हो गया, डोमेन हो गई। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एफ हैज 3 जीरोज इन डी काउंटिंग मल्टीप्लीसिटी। ठीक है, हमें यहाँ पे एफ की जीरोज फाइंड आउट करनी है। पी स्टेटमेंट में कहा है कि जो एफ की जीरोज है वो कितनी है, 3 जीरोज़ है। ठीक है, अगर हमारे पास है ना इस टाइप से फंक्शन गिवन हो और हमें जीरोज़ फाइंड आउट करनी हो, तो एक थ्योरम होती है काफ़ी इम्पोर्टेंट, रोज़ थ्योरम। ठीक है, तो वो आपको आनी चाहिए। रोज़ थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट, रोजेस थ्योरम भी बोल देते हैं अगर हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो। ठीक है, उसको रोजेस थ्योरम भी बोल देते हैं। तो चलिए अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लीजिए, और ये जो रोज़ थ्योरम है ये मान के चलो मुश्किल से एक ईयर ही हटती होगी, नहीं तो हर बार आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट देख लीजिए पहले आप, फिर अपने आप अप्लाई करनी आ जाएगी, है ना। नाउ इफ एच ऑफ जेड एंड जी ऑफ जेड आर टू एनालिटिक फंक्शन आर टू एनालिटिक फंक्शंस
विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर. एक मिनट रुक जाइए आप, बस एक मिनट. क्या कहा? सिंपल क्लोज्ड कर रहा हूँ, सिंपल क्लोज्ड करो. सी सज दैट मोड ऑफ एच ऑफ जेड इज लेस देन मोड ऑफ, सॉरी सॉरी ग्रेटर आएगा, इज ग्रेटर देन मोड ऑफ जी ऑफ जेड एट ईच पॉइंट, एट ईच पॉइंट ऑन सी, देन both h of z and h of z plus g of z have the same number of zeros. Same number of zeros inside C. अब आपके पास जो C है वो क्या है? Open यूनिट सर्कल है. ठीक है, तो उस ओपन यूनिट सर्कल के अंदर हमें ये देखना है कि सबसे पहले अपने पास एच ऑफ जेड और जी ऑफ जेड हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, जो एफ जेड फंक्शन दिया हुआ है वहीं से ब्रेक करके हम एच जेड और जी जेड फंक्शन डिफाइन करेंगे, जो कि क्या हो, दोनों के दोनों एनालिटिक फंक्शन हो. ऑन ए सिंपल क्लोज्ड करो सच दैट, फिर उसके बाद ये देखेंगे कि क्या मोड ऑफ एच जेड इज ग्रेटर देन जी ऑफ जेड है. ठीक है, कहाँ पे? एट ईच पॉइंट ऑन सी. ठीक है, then both h of z and h of z plus g of z have the same number of zeros. ठीक है, चलिए. और जो ये h of z plus g of z है, ये आपके पास फंक्शन ही है. तो चलो, f of z आपको क्या दिया हुआ है? f of z is equal to z minus 25 z cube plus z raised to the power 5 upon 5 factorial minus z raised to the power 7 upon 7 फैक्टोरियल प्लस जेड रेज टू द पावर 9 अपॉन 9 फैक्टोरियल माइनस जेड रेज टू द पावर 11 अपॉन 11 फैक्टोरियल. ठीक है, अब उसके बाद देखिए, हमें जो पी स्टेटमेंट है, ठीक है, पी स्टेटमेंट में हमें जीरोज फाइंड आउट करनी है एफ की. तो उससे पहले हम यहाँ पे एच ऑफ जेड और जी ऑफ जेड डिफाइन कर लेते हैं. अगर मैं यहाँ पे लेट एच ऑफ जेड को आप यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए is माइनस 25 जेड क्यूब. ओके, एंड जी ऑफ जेड को आप कंसिडर कर लीजिए जेड प्लस जेड रेज टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस जेड रेज टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस जेड रेज टू द पावर 9 अपॉन 9 फैक्टोरियल माइनस जेड रेज टू द पावर 11 अपॉन 11 फैक्टोरियल. अगर मैं एच ऑफ जेड और जी ऑफ जेड को ऐड करूँ तो आपके पास यही फंक्शन बनेगा एफ ऑफ जेड. ओके, अब यहाँ पे देखिए, जो एच ऑफ जेड है और जो जी ऑफ जेड है, ये दोनों के दोनों फंक्शन आपके एनालिटिक है. बोथ आर एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कर्व सी. अब आपके पास यूनिट सर्कल है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं मोड ऑफ एच जेड फाइंड आउट करूँ तो मोड ऑफ एच जेड क्या आएगा? मोड ऑफ माइनस 25 जेड रेज टू द पावर 3. तो ये आ जाएगा 25 मोड ऑफ जेड रेज टू द पावर 3. अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आपको क्या दिया हुआ है कि आपके पास है मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1, है ना? तो यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा? जब आप यहाँ पे रखोगे तो ये आपके पास 25 आ जाएगा, है ना? सिमिलरली जब आप मोड ऑफ जी ऑफ जेड फाइंड आउट करोगे तो वो क्या आएगा? मोड ऑफ जी ऑफ जेड, मोड ऑफ जी ऑफ जेड आपके पास क्या आएगा? मोड ऑफ जी ऑफ जेड क्या आएगा? खोलो जल्दी आप,
एक मिनट, आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से इसको इरेज कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, हम जो चाहते हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है मोड ऑफ जी ऑफ जेड अपॉन मोड ऑफ एच ऑफ जेड। ये आपके पास क्या आएगा, इज मोड ऑफ जेड प्लस जेड रेज टू द पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल माइनस जेड रेज टू द पावर सेवन अपॉन सेवन फैक्टोरियल प्लस जेड रेज टू द पावर नाइन अपॉन नाइन फैक्टोरियल माइनस जेड रेज टू द पावर इलेवन अपॉन इलेवन फैक्टोरियल मोड है, एंड डिवाइडेड बाई मोड ऑफ माइनस ट्वेंटी फाइव जेड रेज टू द पावर थ्री। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास लेस देन वन प्लस, क्योंकि मोड ऑफ जेड आपके पास क्या है, ये यहाँ पे लिख लेना, मोड ऑफ जेड इज लेस देन वन, ठीक है, जो आपके पास डोमेन गिवन है। तो ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन फाइव फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन सेवन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन नाइन फैक्टोरियल एंड माइनस वन अपॉन इलेवन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली टर्म्स हैं आपके पास, जब आप इनको ऐड भी करोगे तो भी ट्वेंटी फाइव से तो ये लेस ही रहने वाली है ना। तो ये जो आपके पास आएगा ये लेस देन वन आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इस टर्म्स को उठाऊँ तो यहाँ से आपके पास ये क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ जी ऑफ जेड डिवाइडेड बाई मोड ऑफ एच ऑफ जेड इज लेस देन वन, यानी कि मोड ऑफ जी ऑफ जेड इज लेस देन मोड ऑफ एच ऑफ जेड। तो हम यहाँ पे इसको ये भी लिख सकते हैं कि मोड ऑफ एच ऑफ जेड इज ग्रेटर देन मोड ऑफ जी ऑफ जेड, ठीक है। तो हमारे पास यही कंडीशन थी जो रोज थ्योरम थी, कि आपके पास एच ऑफ जेड और जी ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन होने चाहिए एंड ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। अब हमें यहाँ पे जीरोज फाइंड आउट करनी है एच ऑफ जेड की, तो जो जीरोज आपकी एच ऑफ जेड की होगी वही जीरोज आपकी एच ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड की होगी, और यही फंक्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ जेड है, ठीक है। तो देखिए एच ऑफ जेड की जीरोज क्या है, एच ऑफ जेड आपके पास क्या है, एच ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव जेड रेज टू द पावर थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी जीरोज की बात करूँ तो कितने जीरोज है इसके पास, थ्री जीरोज हैं, है ना, थ्री जीरोज हैं, और क्या है, जीरो जीरो जीरो, क्योंकि हमें ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है काउंटिंग मल्टीप्लीसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री टाइम्स जीरो जीरो है, और सारी की सारी कहाँ पे है, क्योंकि आपके पास जो डोमेन है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, ओपन यूनिट सर्कल, ठीक है। तो जो जीरो है वो तो इसके अंदर ही है, है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं थ्री जीरोज इन मोड ऑफ जेड लेस देन वन, तो इतने ही जीरोज किसकी होंगी, दिस इम्प्लाइज बाय रोज थ्योरम जो एफ ऑफ जेड यानी कि एच ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड, ये आपके पास क्या है, एफ ऑफ जेड ही है, तो इसके पास भी कितनी जीरोज होंगी, थ्री जीरोज, ओके, थ्री जीरोज इन मोड ऑफ जेड लेस देन वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एफ ऑफ जेड की ही जीरोज फाइंड आउट करनी थी, तो कितनी जीरोज हैं आपके पास, थ्री जीरोज हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए पी स्टेटमेंट में क्या कहा है, एफ हैज़ थ्री जीरोज काउंटिंग मल्टीप्लीसिटी इन डी, जो तीनों की तीनों जीरोज है वो डी के अंदर ही है, यानी कि पी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए जो क्यू स्टेटमेंट है, एफ हैज़ वन जीरो इन यू, अब यू आपके पास क्या दिया हुआ है, एक रिंग शेप्ड रीजन दे दिया आपकी बार इसमें जो यू दिया है, कि एफ के पास एक ही जीरो होगी कहाँ पर, इस यू के अंदर। तो सबसे पहले हम यू को ही देख लेते हैं, ठीक है, वैसे तो ये रोज थ्योरम से ही होगा, बट अब की बार जो डोमेन है वो इसने अलग दे दी, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं, इसको इरेज कर लीजिए, यहीं पे कर लेंगे। तो यू देख लीजिए, पहले आप यू देख लीजिए, जो यू आपके पास दिया हुआ है क्या है, फोर ऑल जेड इन सी सच दैट वन बाई टू टू वन, ठीक है, ये दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करूँ इसका, ये है, दिस इज़ वन बाई टू एंड वन माइनस वन बाई टू एंड माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करोएं तो ये आपके पास कुछ इस टाइप से बनेगा,
जो मोड ऑफ जेड है वो 1/2 से ग्रेटर है एंड 1 से लेस, और बाउंड्री नहीं है, ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस बोला है और स्ट्रिक्टली ही ग्रेटर है ना। तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर मैं यहाँ पे रीजन देखूँ तो ये आएगा, ये ठीक है, ये जो है रिंग शेप्ड रीजन, ये आपका यू है। तो इस रीजन के अंदर हमें यहाँ पे इसकी जीरोज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसकी जीरोज फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास क्या है, दिस इज यू, ठीक है। तो बताइए कितनी जीरोज आएंगी, बोलिए जल्दी। आपके पास क्या आया हुआ था, हमने रोज थ्योरम से ये तो फाइंड आउट कर दिया था कि जो एच ऑफ जेड है वो क्या था, ग्रेटर देन मोड ऑफ जेड है ना, ये हमने प्रूफ कर दिया था। उसके बाद एच ऑफ जेड की जो जीरोज आई थी वो आपकी आई थी 3, और वो कहाँ पे आई थी, मोड ऑफ जेड लेस देन 1 के अंदर आई थी, है ना। लेकिन वो जो सारी जीरोज थी एच ऑफ जेड के पास, एच ऑफ जेड आपका ये था -25 जेड रेज टू दी पावर 3, बट इसके पास जो जीरोज थी ये थी, है ना। लेकिन यहाँ पे जो ये जीरोज है ये तो यू के अंदर बिलोंग ही नहीं करती, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए जीरो तो आपकी यहाँ पे है, लेकिन हमें तो इस रीजन के अंदर फाइंड आउट करना है ओनली 1/2 to 1 के अंदर। तो 1/2 to 1 के अंदर तो एक भी जीरो नहीं है, है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं नो एनी जीरोज इन 1/2 लेस देन मोड ऑफ जेड लेस देन 1, इस रीजन के अंदर तो इसकी एक भी जीरो नहीं है, है ना, पता चल गया ना। तो यहाँ से जो क्यू स्टेटमेंट है वो आपकी फॉल्स हो जाएगी। अब देखिए फर्स्ट में है पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स, बिल्कुल सही है। बी क्या कहा, पी इज फॉल्स बट क्यू इज ट्रू, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में कहा बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में कहा बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स, तो यहाँ से ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फिगर पता होनी चाहिए कि जो डोमेन दी हुई है उसका फिगर कैसे ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप आसानी से फाइंड आउट कर लोगे। और जो ये यहाँ पे ये रोज थ्योरम है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। लेट जेड बाय 1 माइनस जेड स्क्वेयर, ओके, इज इक्वल टू सीरीज एन जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड एन, ए एन बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल जेड इन सम नेबरहुड ऑफ जीरो इन सी, देन द वैल्यू ऑफ ए सिक्स प्लस ए फाइव। अब ये ए सिक्स प्लस ए फाइव फाइंड आउट करने का क्या मतलब है यहाँ पे, समझ गए क्या मतलब है यहाँ पे, ए सिक्स प्लस ए फाइव की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे सीरीज को ओपन करूँ तो हमें ए सिक्स और ए फाइव यहीं से मिलेगा, क्या है ए एन जेड रेज टू द पावर एन, तो ये हो जाएगा ए नोट जेड नोट प्लस ए वन जेड वन प्लस ए टू जेड टू प्लस ए थ्री जेड थ्री प्लस ए फोर जेड फोर प्लस ए फाइव जेड फाइव प्लस ए सिक्स जेड सिक्स, है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो ए सिक्स होगा ये आपके पास क्या होगा, इस सीरीज़ के अंदर कोफिशियंट होगा ए सिक्स का, यही है, है ना। हमें इस सीरीज़ को सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, सॉरी कोफिशियंट ऑफ जेड सिक्स, है ना, ए सिक्स इज़ दी कोफिशियंट ऑफ जेड सिक्स, एंड ए फाइव आपके पास क्या है, दिस इज़ द कोफिशियंट ऑफ जेड रेज टू द पावर 5, ठीक है। यहाँ तक हमें यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ जेड सिक्स और जेड फाइव फाइंड आउट करना है, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है, इज़ जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वेयर, ओके, जेड अपॉन वन माइनस जेड स्क्वेयर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जेड अपॉन 1 माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आएगा जेड प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इज जेड, और यहाँ से आपके पास हो जाएगा 1 माइनस इनवर्स में आ जाएगा जेड प्लस जेड स्क्वेयर इनवर्स, ठीक है। अब हमें यहाँ पे
सीरीज़ पता होती है कि अगर आपके पास 1/(1 - x) है, ठीक है, या फिर अगर मैं कहूँ कि 1 - x इनवर्स, तो ये किसके इक्वल होगा, इज़ 1 + x + x² / 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यही ओपन करना है, तो ये हो जाएगा z (1 - z + z²)/2, ठीक है। तो यहाँ से z आपका कॉमन ही है, और ये क्या हो जाएगा, इज़ 1 + ये कंप्लीट आपका x का काम करेगा, दिस इज़ 1 - x, है ना। तो ये हो जाएगा z + z²(+z + z²)³, ओके, यही होगा। अब उसके बाद देखिए, अगर मैं देखो एक जेड आपका बाहर है, अगर मैं जेड की मल्टीप्लाई करूं अंदर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज z + z² + z + z²(+z + z²)² + z + z²³, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशियंट ऑफ z5 and z6, ठीक है। तो कोफिशियंट ऑफ z5 कहाँ कहाँ से आएगा, यहाँ पे कोई कोफिशियंट नहीं आएगा z5 का, यहाँ पे आएगा z² और z³, तो यहाँ से भी कोई कोफिशियंट नहीं आएगा z5 का। इधर से देखिए, अगर मैं इसको ओपन करूँ यहाँ से, ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूँ, तो ये हो जाएगा z² + z4 + 2 + z³, ओके। इसको और सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा z³ + z5 + 2 + z4, तो यहाँ से आ जाएगा कोफिशियंट ऑफ z5, ठीक है। तो यहाँ से कोफिशियंट ऑफ z5 1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, इसके अंदर आएगा कोफिशियंट, चलिए हम यहाँ पे अगर इसको ओपन करूँ, तो ये क्या होगा, यहाँ से z कॉमन है, तो z + z²³, है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा, दिस इज 3c0 z³ + 3c1 z² + 3c2 z4 / 2, ठीक है। तो z5 का जो कोफिशियंट है वो यहाँ से भी आएगा, है ना। तो एक यहाँ से हो जाएगा, अगर हम यहाँ से नेक्स्ट टर्म अगर राइट डाउन करें, तो नेक्स्ट आपकी क्या होगी, यहाँ से z (z+z²)⁴, तो इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से z(4c0z⁴)⁪, यहाँ से ही आ गया z5 का, तो 4c1 z³, ओके, एंड उससे आगे हाईएस्ट टर्म आएगी, तो यहाँ पे तो नहीं होगा। देखो z5 का आ गया, z6 का आ गया, तो हमें z5 और z6 का ही चाहिए है। अगर मैं यहाँ पे z + z²^5 लूँ, तो इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 5c0z⁵, उससे आगे तो ये हाईएस्ट टर्म ही आएंगी, हमें z5 और z6 का ही कोफिशियंट लेना है, है ना। तो चलिए अब लिखिए कोफिशियंट ऑफ z6, तो z6 के कोफिशियंट कहाँ कहाँ पे है, फर्स्ट में नहीं था, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है, फोर्थ में z6 का, थ्री सी टू में है, यहाँ पे जेड भी है, है ना। तो z6 का है एक मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 3c2, ठीक है, 3c2 + अब यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ पे ये 4c1 के साथ जो z5 * z6 का है, तो ये हो जाएगा 4c1, और power 5 वाली में फर्स्ट पे ही है, तो ये हो जाएगा +5c0, तो ये आपका हो गया 3 + 4 + 1, यानी कि 8, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया a6, ठीक है। अब हमें कोफिशियंट ऑफ z5 देखना है, कोफिशियंट ऑफ z5, तो ये आपके पास क्या होगा, थर्ड में है, यहाँ पे देखो z5 में, इधर कोफिशियंट ऑफ z5 1 है प्लस। अब अगर हम फोर्थ में देखें, z5 का कोफिशियंट 3c1, ये इधर हमने कुछ मिस्टेक कर दी, z² ओके, ठीक है, 3c1
प्लस अगर हम यहाँ पे देखें तो 4c नोट, तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 1 यानी कि 5। तो ये वैल्यू हो गई आपकी A5 की। हमें क्या फाइंड आउट करना है, दिस इम्प्लाइज A5 + A6। A5 + A6 क्या होगा, दिस इज 13, 8 + 5 = 13। ओके, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 13, ठीक है 13। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, लेट डी इज इक्वल टू 4z इन सी सच दैट मोड ऑफ जेड लेस देन 1। यहाँ पे हमें ओपन यूनिट डिस्क दी हुई है एंड एफ फ्रॉम डी टू सी बी एन एनालिटिक फंक्शन गिवन बाय द पावर सीरीज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू सीरीज एन 0 to ∞ ए एन जेड एन वे है ए नोट ए वन इज इक्वल टू 1 एंड ए एन इज इक्वल टू 1/2^2n। हमें यहाँ पे ए नोट और ए वन की वैल्यू दी है, उसके बाद हमें ए एन दे दिया फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पी स्टेटमेंट में क्या कहा इसने, इफ जेड नोट बिलोंग टू डी देन एफ इज 1 इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नोट। ओके एंड ओके, पी स्टेटमेंट में कहा है कि इफ जेड नोट, अगर जेड नोट डी के अंदर है तो जो फंक्शन है वो जेड नोट के नेबरहुड में क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ कही है इसने। उसके बाद क्या है, उसके बाद कहा क्यू स्टेटमेंट में इफ ई इज इक्वल टू, यहाँ पे इसने क्लोज्ड डिस्क दी है, रेडियस 1/2 है, देन एफ ऑफ ई इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ सी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको थ्योरम्स पता होनी चाहिए कि कौन सी थ्योरम, कि कंटिन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, ठीक है। कंटिन्यूस फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट पर ही भेजता है, क्यू के लिए तो ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम पी स्टेटमेंट की बात करें तो उसके लिए भी थ्योरम है, हम करेंगे। उससे पहले एक बार एफ ऑफ जेड को देख लीजिए आप, क्योंकि हमें यहाँ पे ए नोट ए वन की वैल्यू दी हुई है, ए एन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को। एफ ऑफ जेड आपके पास क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू सीरीज एन 0 to ∞ ए एन जेड एन। अगर आप इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, ए नोट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वेयर प्लस ए थ्री जेड क्यूब प्लस अप टू सोन। अब यहाँ पे देखिए ए नोट की वैल्यू क्या है, 1 प्लस ए वन भी 1 है प्लस ए टू, ए टू क्या होगा, ए टू क्या होगा, यहाँ पे आप लिख लीजिए ए एन क्या दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू 1/2^2n, है ना। तो यहाँ पे जब आप ए टू की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2^2 जेड स्क्वेयर प्लस ए थ्री क्या होगा, 1/2^6 जेड थ्री अप टू सोन, ठीक है। तो यहाँ से 1+z प्लस, अगर मैं यहाँ पे जेड स्क्वेयर 2^2 अगर एक मिनट, टू ए टू निकालना था ना, तो ये 2 × 2 आएगा। ओके, तो यहाँ पे जेड स्क्वेयर 2^4 अगर मैं कॉमन निकालूँ तो यहाँ से आएगा 1+z/2^2 प्लस जेड स्क्वेयर 2^4 अप टू सोन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो सीरीज है आपके पास, ये आपके पास आ गई जीपी सीरीज, ठीक है। जीपी सीरीज विद कॉमन रेशियो क्या है, यहाँ पे विद कॉमन रेशियो क्या है, विद कॉमन रेशियो 1/2^2 जेड, ठीक है। तो यहाँ से जो हमें दिया हुआ है, बिकॉज मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1, दिस इम्प्लाइज जो मोड ऑफ जेड 2^2 होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है। जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास अगर इस सीरीज को हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 1+z/1/2^4 जेड स्क्वेयर, और यहाँ से आ जाएगा 1 - r^n। 1 - r क्या है, 1/2^2
जेड रेज टू द पावर एन एंड डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, तो ये है टू रेज टू द पावर टू जेड, ठीक है, ये हो जाएगा। और हमें पता है कि जो मोड ऑफ जेड बाई टू रेज टू द पावर टू है वो लेस देन वन है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज वन अपॉन टू रेज टू द पावर टू, वन अपॉन टू रेज टू द पावर टू जेड रेज टू द पावर एन, ये जीरो को टेंड करेगा एज एन टेन टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये लेस देन वन है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये आपका क्या हो गया, ये जो कंप्लीट है यहाँ तक, ये आपका जीरो को टेंड कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, इधर आपके पास क्या रह गया, दिस इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वन प्लस जेड प्लस जेड स्क्वेयर अपॉन टू रेज टू द पावर फोर इंटू, यहाँ पे हो गया वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन फोर जेड, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा वन प्लस जेड प्लस वन अपॉन टू रेज टू द पावर टू इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन फोर माइनस जेड, ये हो जाएगा वन प्लस जेड प्लस जेड स्क्वेयर अपॉन फोर इंटू फोर माइनस जेड, तो ये आ गया आपके पास फंक्शन। तो हमें इस फंक्शन को लेकर के चलना है अब, ठीक है। फंक्शन आपका एक्चुअली ये है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वन प्लस जेड प्लस जेड स्क्वेयर अपॉन फोर इंटू फोर माइनस जेड, तो हमें इस फंक्शन पे वर्क करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पी स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है। पी स्टेटमेंट में क्या कहा है इसने कि अगर जेड नोट आपका डी के अंदर है तो उसके नेबरहुड में फंक्शन आपका वन वन होगा, ठीक है। तो उससे पहले एक थ्योरम देख लीजिए आप, वन वन पे ही डिपेंड है क्योंकि पी स्टेटमेंट में वन वन का डिस्कस किया है और वन वन के लिए ही एक थ्योरम है, आप वो नोट डाउन कर लीजिए। थ्योरम क्या है, इफ एफ इज एनालिटिक, इफ एफ इज एनालिटिक एट ए पॉइंट जेड इज इक्वल टू ए, देन एफ इज वन वन इन सम नेबरहुड, इन सम नेबरहुड ऑफ जेड इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ एफ डैश ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए इफ एंड ओनली इफ का केस है, सबसे पहले फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, ठीक है, उस पॉइंट पर। उसके बाद हम फंक्शन को वन वन कहेंगे उस पॉइंट के नेबरहुड में इफ एंड ओनली इफ एफ डैश ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हमें जेड नोट पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले एक जेड नोट पॉइंट ले लीजिए आप डोमेन से, ठीक है। और हमें पता है कि जो फंक्शन आपके पास आया हुआ है वो एनालिटिक है, एफ इज एनालिटिक इन डी, ठीक है, फंक्शन आपका एनालिटिक है डी में। तो अगर हम इस थ्योरम से चले तो डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं इस जेड नोट पर, एफ डैश जेड क्या आएगा यहाँ से वन प्लस, ये आपके पास क्या आ जाएगा यू बाई वी का फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो फोर इंटू फोर माइनस जेड एज इट इज, ये हो जाएगा टू जेड एंड दिस इज माइनस जेड स्क्वेयर एज इट इज, ये माइनस वन आएगा, ओके, एंड डिवाइडेड बाय फोर स्क्वेयर फोर माइनस जेड स्क्वेयर, तो ये क्या होगा यहाँ से इज वन प्लस फोर इंटू फोर माइनस जेड इंटू टू जेड प्लस जेड स्क्वेयर, ओके, एंड डिवाइडेड बाय फोर स्क्वेयर फोर माइनस जेड स्क्वेयर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जेड नोट पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम ये चेक कर लेते हैं कि किस जेड नोट के लिए ये फंक्शन जो है एफ डैश जेड जीरो होगा, ठीक है। चलिए तो हम ये चेक कर लेते हैं कि एफ डैश जेड किस पॉइंट के लिए ये आपका जीरो होगा डेरिवेटिव, दिस इम्प्लाइज वन प्लस फोर इंटू फोर माइनस जेड नोट इंटू टू जेड नोट प्लस जेड नोट स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, ओके। तो यहाँ से अगर मैं निर्देश दूँ तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, इसको ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा सिक्सटीन माइनस फोर जेड नोट माइनस टू जेड नोट प्लस फोर जेड नोट स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज फोर जेड नोट स्क्वेयर एंड माइनस सिक्स जेड नोट प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो,
तो ये हो जाएगा टू जेड नोट स्क्वेयर माइनस थ्री जेड नोट प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। तो जेड नोट की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी इज माइनस बी यानी कि थ्री प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ ये हो जाएगा बी स्क्वेयर। तो ये क्या होगा, बी स्क्वेयर करोगे तो नाइन माइनस फोर ए सी, तो फोर ए सी करोगे तो क्या आएगा सिक्सटी फोर, ओके एंड डिवाइडेड बाय फोर। तो यहाँ से आपके पास आएगा, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ओके ठीक है ना यहाँ तक, तो ओके ये हो जाएगा थ्री प्लस माइनस और यहाँ पे आपके पास आयोटा में आएगी कुछ टर्म्स एंड डिवाइडेड बाय फोर, ठीक है ओके कर लोगे है ना। अब आपके पास जो जेड नोट है ठीक है वो कहाँ से है, जेड नोट आपका है डी से, और डी आपके पास क्या है एक यूनिट डिस्क है, फोर ऑल जेड इन सी सच दैट मोड ऑफ जेड इज लेस देन वन, ये तो आपके पास क्या है एक ओपन यूनिट डिस्क है ना ये, ठीक है ये है आपके पास जेड नोट आपका यहाँ से है, जेड नोट हमने यहाँ से लिया है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो कि जो जेड नोट है वो ये आया है थ्री प्लस माइनस और यहाँ पे कुछ ना कुछ आयोटा की टर्म्स हैं एंड डिवाइडेड बाय फोर है ना, तो यहाँ पे क्या जेड नोट इसके अंदर होगा, देखो जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो जो जेड नोट आएगा आपका वो आउटसाइड दी डोमेन आएगा, ठीक है जब आप चेक करोगे तो शायद जेड नोट आपका कहीं बाहर आएगा, आप एक बार शायद कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई है आप देख लेना एक बार, तो यहाँ से जो जेड नोट है वो आउटसाइड दी डोमेन आ जाएगा, ठीक है आउटसाइड दी डोमेन, ठीक है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एफ डैश है वो डोमेन के हर एक पॉइंट पर वो नॉन जीरो होगा फॉर ऑल जेड नोट इन डी, ठीक है अगर हम डोमेन का कोई भी एक एलिमेंट लें तो जो एफ डैश जेड नोट है वो हर एक पॉइंट के लिए नॉन जीरो आएगा, ठीक है ओके। तो हम अपनी ऊपर वाली थ्योरम से बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज बाय, जो हमने अभी यहाँ पे ये थ्योरम लिखी थी तो इस थ्योरम से हम अब क्या बोल सकते हैं बाय अबो थ्योरम, बाय अबो थ्योरम एफ इज वन वन इन सम नेबरहुड ऑफ जेड, ओके तो यहाँ से आपके पास जो पी स्टेटमेंट है वो आपकी ट्रू हो जाएगी, ठीक है तो यहाँ से देखिए जो पी स्टेटमेंट है आपकी वो एकदम करेक्ट है। अब आते हैं हम क्यू स्टेटमेंट पर, क्यू स्टेटमेंट में देखिए क्या कहा, इफ़ ई इज इक्वल टू फोर ऑल जेड इन सी सच दैट मोड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू वन बाई टू। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, ये जो आपको दी हुई है क्लोज्ड डिस्क दी हुई है, ठीक है क्लोज्ड डिस्क आपको दी हुई है और जो मोड ऑफ जेड है वो लेस देन इक्वल टू वन बाई टू है, तो ये बाउंडेड भी है आपके पास, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड की अगर हम बात करें तो मतलब कि वो कॉम्पैक्ट है ना, कॉम्पैक्ट है और हमें पता है कि जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, अगर फंक्शन आपका एनालिटिक है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस भी है, ठीक है तो फंक्शन आपका कैसा है कंटिन्यूस भी है। तो आपके पास थ्योरम होती है कि कंटिन्यूस फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट सेट पर ही भेजता है ना, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा अगर हम क्यू स्टेटमेंट की बात करें तो देखिए हम इसको इरेज कर देते हैं एक बार और अब ये देख लीजिए, अगर हम क्यू स्टेटमेंट की बात करें कि जो ई सेट आपको दिया हुआ है ये आपके पास है क्लोज्ड डिस्क प्लस बाउंडेड, ठीक है तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया कॉम्पैक्ट आ गया, ठीक है और हमें दिया हुआ है एफ इज़ एनालिटिक, ठीक है आपके पास फंक्शन एनालिटिक है, तो अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो फंक्शन कैसा होगा कॉन्टीन्यूस होगा, एफ इज कॉन्टीन्यूस, ओके अब हमें पता है नाउ वी नो कॉन्टीन्यूस इमेज, वी नो कॉन्टीन्यूस इमेज ऑफ
कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, ओके कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ ई जो है वो भी आपके पास कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब वो क्लोज्ड भी रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो क्यू स्टेटमेंट है वो भी आपकी ट्रू हो जाती है, तो पी और क्यू दोनों के दोनों यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये भी आपका 2023 का ही क्वेश्चन है। लेट ओमेगा बी एन ओपन कनेक्टेड सबसेट ऑफ सी कंटेनिंग यू, ओके। अब यू आपके पास एक क्लोज्ड डिस्क दी हुई है, ठीक है, और जो ओमेगा है यहाँ पे क्या है, ओपन कनेक्टेड सेट है, ठीक है, ओपन कनेक्टेड सबसेट ऑफ सी है, ठीक है। एंड डी इज कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम ओमेगा टू सी सिंस दैट एफ इज एनालिटिक एंड सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ एफ जेड माइनस एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब जो डी आपके पास दी है वहाँ पे सारे वो फंक्शंस लिए हैं जो कि एनालिटिक हैं, और जब हम सुप्रीमम फाइंड आउट करें एफ जेड माइनस एफ डब्ल्यू का तो वो वन है, ठीक है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फर्स्ट इज देयर एग्जिस्ट एफ इन डी सच दैट मोड ऑफ एफ डैश जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखिए जिस टाइप से आपको यहाँ पे कंडीशंस दी हुई हैं, यहाँ पे देखो जो यू है आपके पास क्या है, एक क्लोज्ड डिस्क है, ओके। और अगर हम यहाँ पे बात करें डी के अंदर जो फंक्शंस हैं वो सारे कैसे हैं, एनालिटिक फंक्शन है। कहाँ पर है फंक्शन एनालिटिक, आपके फंक्शन एनालिटिक ऑन यहाँ पे ओमेगा, और जो ओमेगा क्या है, ओपन कनेक्टेड सबसेट ऑफ सी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो एफ एनालिटिक है वो कहाँ पे है, मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल टू आर, यहाँ पे जेड नोट सेंटर हो जाएगा और आर रेडियस हो जाएगी, ओके। एंड एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड और क्या बोला है इसने, सुप्रीमम है ना। तो देखिए आपके पास एक रिजल्ट होता है, देखो रिजल्ट आपके पास क्या होता है कि अगर फंक्शन आपका क्या हो, एनालिटिक हो, फंक्शन आपका एनालिटिक हो ऑन मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल टू आर, अब यहाँ पे आर रेडियस है और जेड नोट सेंटर है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ फंक्शन आपका बाउंडेड भी होना चाहिए, फंक्शन इज बाउंडेड विद बाउंड एम, ओके। देन क्या कहती है थ्योरम, देन मोड ऑफ एफ एन एट जेड नोट इज लेस देन इक्वल टू एम इन टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर रेज टू दी पावर एन, ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें यू की, ठीक है, तो यू आपके पास क्या है, सिंस यू इज इक्वल टू फोर ऑल जेड इन सी सच दैट मोड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू वन बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोड ऑफ जेड है वो लेस देन इक्वल टू वन बाई टू है, यानी कि अगर हम बात करें आर की तो आर आपके पास इधर वन बाई टू है, ठीक है, आर यहाँ पे क्या है, वन बाई टू है, ठीक है। और आपके पास जो डी दी हुई है, डी के अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है, डी के अंदर हमें सुप्रीमम वैल्यू दी हुई है, तो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। लेट जी ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ डब्लू, अगर मैं यहाँ पे मोड अप्लाई करूँ तो क्या आएगा, मोड ऑफ जी ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ डब्लू, और ये आपके पास क्या है, दिस इज लेस देन वन, लेस देन इक्वल टू वन, तो हम इसको एम नाम दे देते हैं, यानी कि मोड ऑफ जी ऑफ जेड जो है वो क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू एम आ गया, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, जल्दी से बोलिए। देखो अगर हम इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग चलें तो आपके पास आर की वैल्यू आ गई, सेंटर आपके पास जीरो हो गया, और जो मोड ऑफ जी जेड है वो आपके पास लेस देन इक्वल टू एम आ गया, और ये आपके पास बाउंड्री एनालिटिक भी है ना। तो हमें यहाँ पे देखो, अगर क्यू स्टेटमेंट की बात करें तो हमें एफ थ्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, एफ थ्री, ठीक है, चलो थर्ड डेरिवेटिव, ओके। तो यहाँ पे चलिए, अगर मैं अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करूँ तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज अगर मैं इसी थ्योरम को अप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा आपके पास जी थ्री
एट जीरो, जेड नॉट जीरो है, क्या आएगा यहाँ से, इज लेस देन इक्वल टू एम, एम आपके पास वन है, एन आपके पास थ्री फैक्टोरियल है, और ये हो जाएगा वन अपॉन टू रेज टू दी पावर थ्री, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 48, यानी कि जी एट थ्री टाइम एट जीरो इज़ लेस देन इक्वल टू 48 आ गया, है ना। हमें निकालना है एफ डैस जेड, ठीक है, हमें एफ डैस जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए नाउ आपके पास क्या है, जी ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड माइनस एफ डैस डब्लू। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, जी डैस जेड इज इक्वल टू एफ डैस जेड माइनस, ये आपके पास कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट टर्म आएगी, तो ये जीरो है, ठीक है। तो ये आ गया एफ डैस जेड, ठीक है। अब हमें पता है कि जो डी जी डैस जेड है, ठीक है, अगर मैं यहीं पे इसका थ्री टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करूँ तो ये क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास है जी डैस जेड इज इक्वल टू एफ डैस जेड, दिस इम्प्लाइज थ्री टाइम्स क्या होगा इसका, जी जेड का थ्री टाइम्स डिफरेंशिएशन एट जेड नॉट, तो ये भी आपका एफ का थ्री टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पे कि जो जी थ्री जेड नॉट है वो क्या दिया हुआ है, 48 है ना, सिंस जी थ्री टाइम्स एट जेड नॉट इज लेस देन इक्वल टू 48, दिस इम्प्लाइज एफ थ्री एट जेड नॉट इज लेस देन इक्वल टू 48, और जो जेड नोट है वो आपके पास क्या है, जीरो है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो क्यू स्टेटमेंट है यही कहा है कि एफ थ्री एट जीरो इज लेस देन इक्वल टू 48 फॉर ऑल एफ इन डी वे है एफ थ्री डी नोट द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ, यानी कि क्यू स्टेटमेंट आपकी एकदम सही है, ठीक है। अब अगर हम बात करें पी की, तो पी ने कहा देयर एग्जिस्ट एफ इन डी सच दैट एफ डैश जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा, अगर हम उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग चलें तो वो हो जाएगा मोड ऑफ जी डैस एट जेड नोट, एन की वैल्यू यहाँ पे वन हो गई, तो ये हो जाएगा वन इंटू वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई वन बाई टू रेज टू द पावर वन, यानी कि टू। तो ये आपके पास आ गया मोड ऑफ जी डैस जेड नोट इज लेस देन इक्वल टू वन बाई टू, दिस इम्प्लाइज एफ डैश जीरो इज लेस देन इक्वल टू वन बाई टू, बट यहाँ पे तो इसने ग्रेटर बोला है, तो यहाँ से पी स्टेटमेंट जो है वो आपकी फॉल्स हो जाएगी, है ना। तो देखिए फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, सेकंड जो थर्ड में कहा पी इज़ फॉल्स ये बिल्कुल सही है, और बी में क्या कहा क्यू इज़ फॉल्स ये इनकरेक्ट हो जाएगा, डी कहा क्यू इज़ ट्रू तो ये आपका सही है, ठीक है। चलिए तो ये थे आपके 2023 के, अब हम चलते हैं 22 की तरफ, ठीक है। फोर क्वेश्चन आए थे आपके 22 में, ठीक है, 24 में, तो 23 में, ठीक है, अब हम आए हैं 22 की तरफ, ओके। आई होप कि 23 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है, और हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे अभी, क्योंकि अगर हम अपने एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें ना, तो थ्योरी सब ने कर ही ली होगी, वैसे इस टाइम पे इतनी ज़्यादा थ्योरी होगी भी नहीं, इस टाइम पे तो हम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वही काम आएंगे इस टाइम पर तो, है ना, क्योंकि रिजल्ट साथ के साथ करते चले जाएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमने रियल एनालिसिस को वहाँ पे कंप्लीट किया है, लिनियर अलजेब्रा को कंप्लीट किया है, एक एलपीपी का लेक्चर भी लिया है हमने, और आज का ये कॉम्प्लेक्स का लेक्चर लेके हम कल वाला लेक्चर भी हम एलपीपी का ही लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आप साथ के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। तो चलिए ये स्टेटमेंट एक बार आप देख लीजिए क्या है, जल्दी से देखिए क्या कहा इसने, रीड कीजिए जल्दी, यहाँ पे भी हमें जीरोज फाइंड आउट करनी है, और इस टाइप का क्वेश्चन हमने 23 में किया है, ठीक है। कैसे करोगे जल्दी बताइए, मैंने क्या कहा था कि अगर नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करनी है ना, माइंड में एकदम से स्ट्राइक कर देनी चाहिए रोज थ्योरम, ठीक है।
अगर इस टाइप का फंक्शन हमें दिया हुआ है, एनालिटिक है, ठीक है, तो रोल्स थ्योरम जो है वो एकदम से स्ट्राइक करनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट दोबारा नहीं लिखूंगी क्योंकि हमने 2023 वाला जो क्वेश्चन किया है वहाँ पे मैंने नोट डाउन करवा दी है, अब अपने माइंड में बैठा लीजिए। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट चूज करने वाले हैं एफ ऑफ जेड और जी ऑफ जेड, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बताइए, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बाय रोल्स थ्योरम सेलेक्ट कीजिए यहाँ से एफ जेड और जी जेड। हम यहाँ से एफ ऑफ जेड को कंसीडर कर लेते हैं। लेट एफ ऑफ जेड इज -7 जेड रेस टू द पावर 5 एंड जी ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 जेड रेस टू द पावर 7 प्लस 2 जेड रेस टू द पावर 3 माइनस जेड प्लस 1। अब यहाँ पे हमें यूनिट डिस्क दी हुई है, मोड ऑफ जेड लेस देन 1 दिया हुआ है, तो मोड ऑफ एफ ऑफ जेड क्या होगा, यहाँ से मोड ऑफ -7 जेड रेज टू द पावर 5, तो ये हो जाएगा 7 मोड ऑफ जेड रेज टू द पावर 5, है ना। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, दिस इज 7 बिकॉज मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1, ठीक है। ऐसे ही अगर आप मोड ऑफ जी ऑफ जेड फाइंड आउट करोगे तो वो क्या होगा, इज 2 जेड रेज टू द पावर 7 प्लस 2 जेड रेज टू द पावर 3 माइनस जेड प्लस 1। तो ये आपके पास क्या आएगा जब 1 पुट करोगे, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा इज 2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, है ना। तो ये तो आपके पास 4 आ गया, 4 ही आएगा ना, नहीं नहीं क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस जब ये ओपन करोगे तो लेस देन इक्वल टू होके ये माइनस जेड प्लस का जेड हो जाएगा, तो ये 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ एफ ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ जेड, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर एफ ऑफ जेड की जीरोज फाइंड आउट कर ले तो वही एफ जेड प्लस जी जेड की होगी। नाउ नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ ऑफ जेड क्या होगी, एफ ऑफ जेड की नंबर ऑफ जीरोज 5 होगी, आर 5। अब वो 5 क्या हैं, सारी की सारी 0 0 हैं, ठीक है, और सारी की सारी आपकी इस डिस्क के अंदर भी है क्योंकि ओपन यूनिट डिस्क है, ठीक है। तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड, आपका यही ओरिजिनल फंक्शन बन गया, तो इसके पास भी कितनी जीरोज होंगी, 5 सॉरी 5 जीरोज, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 5 जीरोज आ गई, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, एक बार इसको रीड कर लीजिए, ठीक है, एक सेकेंड मैं पानी पी लूँ, उसके बाद करते हैं हम कंटिन्यू, ठीक है। Thank you.
बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, अगर ट्राई किया होगा तो आ भी गया होगा आंसर, है ना। देखिए यहाँ पे हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला सबको पता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, अगर किसी का ये गलत हुआ होगा तो इस टू की वजह से ये गलत हुआ होगा, ठीक है, इस टू की वजह से ये गलत हुआ होगा। अब मैं बता दूँ क्यों। देखिए जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है आपके पास वो क्या होती है, आर, है ना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपके पास आर होती है। लेकिन देखो जो आर है वो आपके पास होती है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, अगर आपको इस टाइप से सीरीज दी हुई हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर एन की जगह पे के एन दे दिया हो तो क्या आएगा, जो आर रेज टू द पावर 1/k हो जाएगी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज ए एन जेड रेज टू द पावर के एन। ध्यान रखना अगर यहाँ पे एन के मल्टीपल में के है, कुछ भी है के, ठीक है, तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या हो जाएगी, 1/k हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जेड रेज टू द पावर 2n दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ए एन क्या है, ए एन इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर n+1 है, के यहाँ पे क्या है 2 है, तो आर क्या होगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और ये क्या होगा ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन इज 3 रेज टू द पावर n+1 अपॉन 3 रेज टू द पावर n+2, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 1/3, ठीक है, एज n टेंड टू इन्फिनिटी। तो r आपके पास क्या आ गया, 1/3, दिस इम्प्लाइज r रेज टू द पावर 1/2 क्या हो जाएगा, 1/3 रेज टू द पावर 1/2, यानी कि 1/√3, ठीक है। अगर हम इसको डेसिमल में लिखें तो ये आ जाएगा 0.58, तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या हो जाएगी, 0.58। बिल्कुल इजी था, ये ध्यान रखना, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका 22 का ही है, ठीक है। देखिए कंसिडर द रियल फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स गिवन बाय uxy, लेट vxy बी द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ uxy। अब आपके पास जब ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट की बात की होती है ना, दो फार्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक तो होता है कि जब आपको uxy दिया हुआ हो तब क्या होगा, एक होता है कि जब आपको vxy दिया हुआ हो तो तब क्या होगा फॉर्मूला, ठीक है, जब हम फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमें v ऑफ 0, 0 की भी वैल्यू दी हुई है, कितनी है 2। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड f ऑफ z इज uxy प्लस आयोटा vxy, देन द वैल्यू ऑफ 4+2 आयोटा f ऑफ आयोटा पाई। तो ये वैल्यू तो हम तब फाइंड आउट कर पाएंगे जब हमें फंक्शन का पता होगा, ठीक है, कि जो f ऑफ z है वो आपके पास क्या होगा, ओके तो अब आप नोट डाउन कर लीजिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो देखिए, एक तो आपके पास होता है फर्स्ट इफ u इज गिवन, जब आपको u दिया हुआ, ठीक है, देन f ऑफ z क्या होगा, f ऑफ z इज इक्वल टू 2u z/2 z/2 iota माइनस यू 0, 0 प्लस आयोटा वी 0, 0, ओके। सेकंड आपके पास है इफ वी इज गिवन, ओके, अगर वी दिया हुआ हो तो उस केस में एफ जेड क्या होगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 iota v z/2 z/2 iota माइनस आयोटा वी 0, 0 प्लस यू 0, 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे यू दिया हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ये फर्स्ट वाला अप्लाई करेंगे, ओके। चलिए नाउ हेयर यू इज गिवन, ठीक है, यहाँ पे हमें यू दिया हुआ है, ओके, तो यू आपके पास क्या है, अगर हम यू की बात करें, यू आपके पास है
ई रेज टू द पावर टू एक्स साइन ऑफ थ्री एक्स कोस ऑफ टू वाई कोस ऑफ हाइपरबोलिक थ्री वाई माइनस कोस ऑफ थ्री एक्स साइन ऑफ टू वाई साइन ऑफ हाइपरबोलिक थ्री वाई। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें क्या अप्लाई करना है, अगर हमें यू दिया हुआ है, ठीक है, और अगर हम बात करें यू जीरो जीरो की, तो क्या होगा यू जीरो जीरो, यू जीरो जीरो क्या होगा जब आप पुट करोगे, तो वैसे भी यहाँ पे देखिए साइन जीरो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो है ना, तो देखिए जो यू जीरो जीरो है वो आपके पास जीरो एंड वी जीरो जीरो इसने पहले ही दिया हुआ है कितना टू, तो ये भी आप याद रखना क्योंकि हमें पुट करनी है। और एफ ऑफ जेड क्या होगा, अब इस केस में जब यू दिया हुआ हो तो एफ ऑफ जेड आपके पास होगा यहाँ पे इज टू यू जेड बाई टू जेड बाई टू आयोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इज माइनस यू जीरो जीरो प्लस आयोटा वी जीरो जीरो। ओके, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यूज़ को, टू यू जेड बाई टू जेड बाई टू आयोटा एंड माइनस यू जीरो 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 है प्लस आयोटा वी आपके पास टू। ठीक है, तो जो एफ ऑफ जेड है वो आपके पास क्या आ गया, दिस इज टू यू जेड बाई टू जेड बाई टू आयोटा जेड बाई टू आयोटा प्लस टू आयोटा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे यू में वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, जब यू में वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा टू, आप बाहर रखिए एज इट इज़, और ये क्या होगा ई रेज टू दी पावर जेड, और यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ थ्री जेड बाई टू कोस ऑफ टू जेड बाई टू आयोटा कोस ऑफ हाइपरबोलिक थ्री जेड बाई टू आयोटा एंड माइनस कोस ऑफ थ्री जेड बाई टू साइन ऑफ जेड बाई आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक थ्री जेड बाई टू आयोटा। ठीक है, ये यहाँ पे आयोटा इधर है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे ओके, ठीक है, यहाँ पे तो सही लिखा हुआ है, ये यहाँ पे है आयोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक ओके एंड प्लस टू आयोटा। ठीक है, यहाँ तक। अब उसके बाद देखिए हमें आयोटा पाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफ ऑफ आयोटा पाई, जेड की जगह पे आयोटा पाई रख दीजिए, तो ये हो जाएगा टू ई रेज टू द पावर आयोटा पाई एंड दिस इज साइन ऑफ थ्री आयोटा पाई बाई टू कोस ऑफ, ये आपका हो जाएगा टू से टू कैंसल होके, ये आयोटा पाई बाई आयोटा एंड कोस ऑफ हाइपरबोलिक थ्री आयोटा पाई बाई टू आयोटा माइनस कोस ऑफ थ्री आयोटा पाई बाई टू साइन ऑफ आयोटा पाई बाई आयोटा। अब साइन पाई आपका जीरो हो जाएगा, ये साइन ऑफ हाइपरबोलिक थ्री आयोटा पाई बाई टू आयोटा एंड प्लस टू आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा दिस इज टू एंड ई रेज टू द पावर आयोटा पाई माइनस वन, क्योंकि कोस पाई माइनस वन होगा एंड साइन पाई जीरो, ये हो जाएगा साइन थ्री आयोटा पाई बाई टू एंड कोस पाई माइनस वन हो जाएगा, और ये कोस ऑफ हाइपरबोलिक थ्री पाई बाई टू एंड यहाँ से ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, प्लस टू आयोटा। ओके, अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस टू साइन ऑफ थ्री आयोटा पाई बाई टू कोस ऑफ हाइपरबोलिक थ्री पाई बाई टू प्लस टू आयोटा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो साइन ऑफ जेड है वो किसके इक्वल होता है, वी नो साइन जेड किसके इक्वल होता है, साइन जेड इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हो साइन जेड को, ई रेज टू द पावर आयोटा जेड माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा जेड एंड डिवाइडेड बाय टू आयोटा। ठीक है, एंड सिमिलरली
कोस ऑफ हाइपरबोलिक जेड को आप कैसे लिख सकते हो, ई रेज टू द पावर जेड प्लस ई रेज टू द पावर माइनस जेड बाय टू। ठीक है, तो यहीं से अगर मैं अब बात करूं कि साइन ऑफ थ्री पाई बाय टू आयोटा, ये किसके इक्वल होगा, ई रेज टू द पावर आयोटा इंटू आयोटा थ्री पाई बाय टू माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा इंटू आयोटा थ्री पाई बाय टू एंड डिवाइडेड बाय टू आयोटा। तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस थ्री पाई बाय टू माइनस ई रेज टू द पावर थ्री पाई बाय टू एंड डिवाइडेड बाय टू आयोटा। सिमिलरली इसके केस में होगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर मैं कहूँ कोस ऑफ हाइपरबोलिक थ्री पाई बाय टू, तो ये किसके इक्वल होगा, ई रेज टू द पावर थ्री पाई बाय टू प्लस ई रेज टू द पावर माइनस थ्री पाई बाय टू एंड डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा जो एफ ऑफ आयोटा पाई है वो क्या आया हुआ है, एफ ऑफ आयोटा पाई आपके पास क्या आया हुआ है, इज टू साइन थ्री आयोटा पाई बाई टू कोस हाइपरबोलिक थ्री पाई बाय टू प्लस टू आयोटा। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, टू इन टू ये होगा ई रेज टू द पावर माइनस थ्री पाई बाई टू माइनस ई रेज टू द पावर थ्री पाई बाई टू एंड डिवाइडेड बाई टू आयोटा इन टू कोस हाइपरबोलिक की क्या होगी, ई रेज टू द पावर थ्री पाई बाई टू प्लस ई रेज टू द पावर माइनस थ्री पाई बाई टू एंड डिवाइडेड बाय टू और ये हो जाएगा प्लस टू आयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया वन अपॉन टू आयोटा और यहाँ पे रहेगा माइनस कॉमन ले लीजिए, ये होगा ई रेज टू द पावर थ्री पाई बाई टू माइनस ई रेज टू द पावर माइनस थ्री पाई बाई टू इन टू ई रेज टू द पावर थ्री पाई बाई टू प्लस ई रेज टू द पावर माइनस थ्री पाई बाय टू एंड प्लस टू आयोटा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे फार्मूला पता है क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। तो इसी आइडेंटिटी को हमें यूज करना है और ये क्या हो जाएगा, इज माइनस ई रेज टू द पावर थ्री पाई माइनस ई रेज टू द पावर माइनस थ्री पाई एंड डिवाइडेड बाई टू आयोटा प्लस टू आयोटा। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे फोर प्लस टू आयोटा एफ ओ फायोटा पाई। ठीक है, तो अगर मैं यहीं पे फाइंड आउट करूँ, यहीं पे कर लीजिए, क्या आएगा, ये आपके पास हो जाएगा फोर प्लस टू आयोटा एफ ओ फायोटा पाई की वैल्यू रख दीजिए, क्या है एफ ओ फायोटा पाई की, ये है माइनस ई रेज टू द पावर थ्री पाई माइनस ई रेज टू द पावर माइनस थ्री पाई डिवाइडेड बाय टू आयोटा एंड प्लस टू आयोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर प्लस माइनस ई रेज टू द पावर थ्री पाई माइनस ई रेज टू द पावर माइनस थ्री पाई एंड माइनस फोर। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस फोर प्लस फोर कैंसल एंड दिस इज ई रेज टू द पावर माइनस थ्री पाई माइनस ई रेज टू द पावर थ्री पाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, बोलिए जल्दी, ये जो सी ऑप्शन है यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा, अदर थ्री ऑप्शन आर इनकरेक्ट। ओके, लेंथी था थोड़ा बट ईजी था। ओके, बट ये ध्यान रखना कि जब आपको यू दिया हुआ हो तो एफ जेड क्या होगा और जब वी दिया हुआ हो तो एफ जेड क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये भी आपका 2022 का ही क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ द इंटीगल, यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इंटीगल की। ओके, तो देखिए कैसे करोगे, हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या दिया हुआ है, जेड रेज टू द पावर 100 अपॉन जेड रेज टू द पावर 100 अपॉन जेड रेज टू द पावर 101 प्लस वन डी जेड वेयर सी इज द सर्कल ऑफ रेडियस टू सेंटर्ड एट द ओरिजन टेकन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमें रेडियस टू दी हुई है एंड सेंटर आपके पास जीरो है। ठीक है, तो बताइए जल्दी से कैसे फाइंड आउट करोगे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। ये भी आपका कम्प्लीटली
एक थ्योरम पे डिपेंड है और वो थ्योरम आपको पता होनी चाहिए कि थ्योरम क्या है। बोलिए जल्दी, याद कीजिए। आपके पास कुछ ऐसी थ्योरम होती है कि एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड, है ना, इंटीग्रेशन में क्या बोलते हैं उसको, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल, है ना, क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल, है ना। तो चलिए, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल क्या है और ये आपको कैसे पता चलेगा कि यही लगाना है। देखिए, एक टाइप से ये आपके पास एफ डैश जेड है और ये आपके पास एफ ऑफ जेड है, है ना। इसका डेरिवेटिव करोगे तो यही टर्म्स आएगी। कब? जब आप 101 से मल्टीप्लाई कर दो और 101 से डिवाइड कर दो, ठीक है, वो हम कर लेंगे। उससे पहले आप आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल की डेफिनेशन देख लीजिए, ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। क्या है आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल? स्टेटमेंट है, इफ एफ हैज पोल्स, इफ एफ हैज पोल्स पी वन पी टू पी थ्री अप टू पी एम एंड एफ हैज जीरोज जेड वन जेड टू अप टू जेड एन, काउंटिंग अकॉर्डिंग देयर मल्टीप्लिसिटी, काउंटेड अकॉर्डिंग देयर मल्टीप्लिसिटी, सच दैट एनी ऑफ द पोल्स, any of the poles or zeros does not lie on C, does not lie on C, then 1 upon 2 pi iota integration over C f dash z upon f of z dz is equal to summation k is equal to 1 to n number of zeros minus summation j is equal to 1 to m number of poles, ठीक है, या फिर n माइनस p भी हम इसको लिख देते हैं। कहीं कहीं पर आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा ये, और इंटीग्रेशन एफ डैश जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू टू पाई आयोटा एन माइनस पी, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ जीरोज एंड पी इज़ द नंबर ऑफ पोल्स, ऐसे भी देखने को मिलता है। चलिए, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन जेड रेज टू द पावर 100 अपॉन जेड रेज टू द पावर 101 प्लस 1 डी जेड। तो हम यहाँ पे 101 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो 101 और यहाँ पे 101 इंटू जेड रेज टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई जेड रेज टू द पावर 101 प्लस 1 डी जेड। ओके, तो यहाँ से ये आपके पास क्या होगा, दिस इज, ये क्या होगा, 2 पाई आयोटा एन माइनस पी, वेहर एन इज द नंबर ऑफ जीरोज एंड पी इज द नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। तो आपके पास जो एफ ऑफ जेड है वो क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड रेज टू द पावर 101 प्लस 1। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये 101 भी है साथ में, ये साथ में लिख लेना, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड आपके पास ये है, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, एन यहाँ पे कितनी होंगी, 101, और पोल तो होगा ही नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में है ही नहीं कुछ, तो पोल यहाँ पे जीरोज हो जा जीरो होगी, और ये है आपके पास नंबर ऑफ जीरोज एंड दिस इज द नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। तो ये यहाँ से आ जाएगा 1 upon 101 टू पाई आयोटा इंटू 101 और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2 pi iota, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा, दिस इज 2 pi iota, यानी कि लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। ओके, ध्यान रखना ये क्या है, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
ओके, तो 2022 भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब है आपका 2021। ओके, तो रीड कीजिए एक बार यहाँ पे जल्दी से स्टेटमेंट, और उसके बाद करना स्टार्ट कीजिए क्या दिया हुआ है। ठीक है, जल्दी से देखिए क्या दिया हुआ है एक बार, पहले आप रीड कीजिए उसके बाद मैं बताती हूँ। देखिए जल्दी से बताइए, क्वेश्चन आपका इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, देखो लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई फॉर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इन सी वेयर एक्स आर रियल नंबर बी ए नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, एफ आपके पास एक नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन है, नोट कर लेना। अगर एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, सी आर मीन्स कोशी रीमान इक्वेशन। ठीक है, ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन सी लेट यू एक्स वी एक्स एंड यू वाई वी वाई डिनोट द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ यू एक्स वाई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड एंड वी एक्स वाई इज द इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू रियल वेरिएबल्स एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली कंसिडर द फॉलोइंग टू फंक्शंस डिफाइंड ऑन सी। हमें यहाँ पे दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक तो है जी वन एक्स इज इक्वल टू यू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस आयोटा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हम यहाँ पे जो ये स्मॉल यू एक्स है हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, ये यू है एंड माइनस इसको हम मान लेते हैं दिस इज आयोटा वी। ठीक है, तो ऐसे ही हम जी टू के लिए करेंगे, पहले जी वन को देखेंगे। अब ऑप्शंस में क्या है, बोथ जी वन एंड जी टू आर एनालिटिक। ओके, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, हमें यहाँ पे एनालिटिसिटी देखनी है। तो जी वन आपके पास क्या है, जी वन जेड आपके पास क्या था, यू एक्स एक्स वाई माइनस आयोटा यू वाई एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि हम इसको कंसिडर कर लेते हैं दिस इज यू एंड दिस इज वी, तो ये आपके पास क्या आ गया, यू एंड प्लस आयोटा वी। ठीक है, वेयर यू इज इक्वल टू यू एक्स एंड कैपिटल वी इज इक्वल टू माइनस यू वाई। ठीक है, अब हमें पता है कि फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सिंस एफ इज एनालिटिक दिस इम्प्लाइज सी आर इक्वेशन क्या है, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स, तो इनका भी हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब हमें पता है कि अगर ये एनालिटिक है तो लैपलेस इक्वेशन क्या होगी, यहाँ से अगर हम यहाँ पे लैपलेस इक्वेशन की बात करें, दिस इम्प्लाइज लैपलेस इक्वेशन इज यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आ गया, यू एक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू वाई वाई, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कैपिटल यू और कैपिटल वी की तरफ। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या इनके लिए सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो चलिए आपके पास जो यू है, यू आपके पास है स्मॉल यू एक्स एंड वी इज इक्वल टू माइनस स्मॉल यू वाई। अगर आप कैपिटल यू एक्स करोगे तो क्या आएगा, यू एक्स एक्स, है ना, और अगर आप वी एक्स करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस यू एक्स वाई, एंड अगर कैपिटल यू वाई करोगे तो ये आ जाएगा यू एक्स वाई, एंड कैपिटल वी वाई करोगे तो ये आएगा माइनस यू वाई वाई। ठीक है, तो अब हमें सी आर इक्वेशन चेक करनी है, तो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई करके देखो क्या आएगा, यू एक्स आपका किसके इक्वल है, यू एक्स एक्स इज इक्वल टू वी वाई क्या है, माइनस ऑफ यू वाई वाई, है ना, और ये तो सेटिस्फाई करती है बाय
लैपलेस इक्वेशन है ना, क्योंकि एफ आपके पास एनालिटिक है, लैपलेस इक्वेशन ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है, ओके तो यहाँ से ये तो हो गया सेटिस्फाई। अब हम चलते हैं सेकंड, क्या करना है, यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स चेक करना है ना। तो यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स, यू वाई क्या है, इज यू एक्स वाई एंड माइनस वी एक्स आपके पास क्या है, माइनस ऑफ यू एक्स वाई। तो ये क्या हो गया, यू एक्स वाई इज इक्वल टू यू एक्स वाई, तो ये भी सेटिस्फाई है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज जी वन जेड सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, ठीक है। अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करती है और अगर उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन जो है वो एनालिटिक है ना। अब हम यहाँ से देखिए जो इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो भी एग्जिस्ट करेंगे है ना। तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, ठीक है। दिस इम्प्लाइज जो जी वन जेड है वो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज जी वन जेड इज एनालिटिक, ठीक है। तो यहाँ से जो जी वन जेड है वो एनालिटिक हो जाएगा, ओके। यानी कि जो लास्ट ऑप्शन है कि नाइदर जी वन नोर जी टू, तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। सी में कहा जी वन जेड इज नॉट एनालिटिक, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम जी टू चेक कर लेते हैं है ना। तो जी टू आपके पास क्या है, वी एक्स एक्स वाई प्लस आयोटा वी वाई एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर हम जी टू की बात करें, इसको इरेज कर लीजिए यहाँ से, हम यहीं पे कर लेंगे ठीक है। चलो जी टू क्या दिया हुआ है, जी टू जेड इज इक्वल टू, जी टू जेड इज इक्वल टू वी एक्स एक्स वाई प्लस आयोटा वी वाई एक्स वाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि जो ये है आपके पास, दिस इज कैपिटल यू है ना, दिस इज कैपिटल यू एंड दिस इज कैपिटल वी, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास फंक्शन एनालिटिक है तो वो लैपलेस इक्वेशन वी के लिए भी सेटिस्फाई करेगा है ना। तो क्या हो जाएगी, वी लैपलेस इक्वेशन क्या होगी, वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज वी एक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वी वाई वाई, ठीक है। इसको आप यहाँ साइड में रखो और अब देखो कि यू आपके पास क्या है, दिस इज वी एक्स एक्स वाई एंड कैपिटल वी इज इक्वल टू वी वाई एक्स वाई। तो यू एक्स क्या होगा यहाँ से, दिस इज वी एक्स एक्स एंड v, उसके बाद यू एक्स हो गया, वी वाई क्या होगा यहाँ से, वी वाई वाई यही होगा, ओके। अब उसके बाद यू वाई क्या होगा, वी एक्स वाई एंड वी एक्स क्या होगा, वी एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम दोनों से चेक करें तो सी आर इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई। तो यू एक्स क्या है, दिस इज वी एक्स एक्स इज इक्वल टू वी वाई क्या है, वी वाई वाई। बट ये तो सेटिस्फाई नहीं करते, यहाँ से देखिए अगर ये माइनस में होता तो सेटिस्फाई करते हैं ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट इक्वल, तो सी आर इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं होती यहाँ पे, तो सी आर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। क्योंकि अगर ये एनालिटिक होता तो सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाई करते। दिस इम्प्लाइज जी टू जेड इज नॉट एनालिटिक, ठीक है, जी टू जेड इज नॉट एनालिटिक। तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा एंड सेकेंड में क्या कहा कि जी वन इज एनालिटिक बट जी टू इज नॉट एनालिटिक, तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही, ओके कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका 2021 का ही क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेड इज डब्लू, टी ऑफ जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी
अपॉन सी जेड प्लस डी एंड ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, विद द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप द पॉइंट जेड वन इज इक्वल टू जीरो, जेड टू इज इक्वल टू माइनस आयोटा, जेड थ्री इज इक्वल टू इन्फिनिटी इन द जेड प्लेन ऑन टू द पॉइंट डब्ल्यू वन इज इक्वल टू टेन। जो जेड वन है वो किस पे मैप करती है, डब्ल्यू वन पे, जेड टू डब्ल्यू टू पे, जेड थ्री डब्ल्यू थ्री पे इन द डब्ल्यू प्लेन। देन द इमेज ऑफ द सेट, हमें यहाँ पे इमेज फाइंड आउट करनी है। देन द इमेज ऑफ द सेट फॉर ऑल जेड इन सी सच दैट रियल पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन जीरो। हमें यहाँ पे इस सेट की इमेज फाइंड आउट करनी है अंडर द मैप डब्ल्यू इज इक्वल टू टी जेड। ठीक है, कैसे करोगे, देखिए मैप हमें क्या दी हुई है, जेड वन के कोरस्पॉन्डिंग टी ऑफ जीरो हमें दी हुई है डब्ल्यू वन जेड ओ टेन, एंड टी ऑफ माइनस आयोटा क्या है फाइव माइनस फाइव आयोटा, टी ऑफ इन्फिनिटी क्या है फाइव प्लस फाइव आयोटा, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है टी ऑफ जेड आपके पास, तो अगर मैं वहाँ पे पुट करूँ क्या आएगा, टी ऑफ जीरो ये आ जाएगा बी बाय डी, बी बाय डी की वैल्यू है वन, दिस इज इक्वेशन वन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू टेन डी, है ना। ठीक है, ओके, ऐसे ही हम यहाँ से इसके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं इन्फिनिटी के लिए। टी ऑफ जेड आपके पास है तो जेड अगर कॉमन ले तो क्या आएगा, ए प्लस बी बाई जेड एंड डिवाइडेड बाई जेड सी प्लस डी बाई जेड, तो ये कैंसिल होके ये आपका जीरो की तरफ टेंड करेगा एज जेड टेंड टू इन्फिनिटी। दिस इम्प्लाइज टी इन्फिनिटी क्या आ जाएगा यहाँ से ए बाई सी, और ये क्या दिया हुआ है फाइव प्लस फाइव आएगा, है ना। तो यहाँ से देख लीजिए अब आपके पास क्या आ गया, एक तो आ गया आपके पास बी इज इक्वल टू टेन डी, ठीक है, और एक आपके पास क्या है, एक है आपके पास ए बाई सी इज इक्वल टू फाइव प्लस फाइव आयोटा। तो अगर मैं रियल पार्ट लूँ यहाँ से ओनली, तो देखिए रियल पार्ट यहाँ पे आ जाएगा ए बाई सी इज इक्वल टू फाइव, यानी कि ए इज इक्वल टू फाइव सी, तो एक आपके पास ये आ गया, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ए सी एंड बी टी की वैल्यू रखूँ कुछ भी, तो बहुत सारी मैप हम डिफाइन कर सकते हैं, बहुत सारी मैप हम यहाँ पे बना सकते हैं, है ना। तो आप कोई स्पेसिफिक वैल्यू ले लीजिए ए बी सी डी की, तो हम यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे डी की वैल्यू वन लूँ एंड बी की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं टेन लूँ, ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे भी सी को वन ले लीजिए एंड ए को आप फाइव ले लीजिए, ठीक है, तो क्या बनेगी टी ऑफ जेड, टी ऑफ जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, वैल्यू रख दीजिए क्या आएगा फाइव जेड प्लस टेन अपॉन जेड प्लस वन, फाइव कॉमन लोगे तो क्या आएगा जेड प्लस टू अपॉन जेड प्लस वन। ठीक है, ओके, अब हमें किसकी इमेज फाइंड आउट करनी है, सेट एस की। तो एस सेट आपके पास क्या दिया हुआ है, फोर ऑल जेड इन सी सच दैट रियल पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन वन। तो हमें यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स लेने हैं जिसका रियल पार्ट जो है वो लेस देन जीरो है, तो हमें इसकी इमेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसकी इमेज हमें फाइंड आउट करनी है, तो आप यहाँ पे एक जेड पॉइंट कंसिडर कीजिए जो कि जिसका रियल पार्ट क्या हो लेस देन जीरो हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नाउ टेक जेड इज इक्वल टू माइनस टू प्लस आयोटा, अगर मैं इस सेट से लूँ, ठीक है, एस सेट से, तो माइनस टू जो है वो लेस देन जीरो है, रियल पार्ट भी है। ठीक है, तो इसकी अगर इमेज मैं फाइंड आउट करूँ तो वो क्या आएगी, टी ऑफ माइनस टू प्लस आयोटा, तो ये आ जाएगी फाइव माइनस टू प्लस आयोटा प्लस टू एंड डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस आयोटा प्लस वन, है ना। तो
तो यहाँ से टू कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा फाइव आयोटा अपॉन माइनस वन प्लस आयोटा, और रैशनलाइज करोगे तो ये आएगा माइनस फाइव आयोटा माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। ये आपके पास आ गया टी ओ माइनस टू प्लस आयोटा इज इक्वल टू माइनस फाइव आयोटा माइनस वन बाय टू, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस लूँ तो ये आ जाएगा आपके पास फाइव बाई टू आयोटा माइनस वन। तो ये आपका है, ये आपका है डब्लू, मोड ऑफ डब्लू इज इक्वल टू, दिस इज स्क्वेयर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव बाई फोर प्लस ट्वेंटी फाइव बाई फोर, एंड दिस इज स्क्वेयर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव बाई टू, एंड ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास क्या आएगा, थ्री पॉइंट वन फाइव समथिंग, यानी कि ये देखिए आपके पास जो मोड ऑफ डब्लू है ये क्या आया है, थ्री पॉइंट फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कहा है इसने कि जो इमेज हमें फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट में कहा कि वो सारे डब्लू आएंगे सच दैट मोड ऑफ डब्लू जो है वो लेस देन फाइव आएगा। काउंटर एग्जाम्पल हमने लिया है तो ये तो आपका ठीक है लेस देन फाइव है, तो हम यहाँ से करेक्ट तो नहीं कर सकते, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट हो जाए, है ना। यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन में जो मोड ऑफ डब्लू है ग्रेटर देन फाइव, बट आपका मोड ऑफ डब्लू क्या आया, थ्री पॉइंट फाइव विच इज़ लेस देन फाइव, तो यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है वो तो आपका हो गया इनकरेक्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँ थ्री पॉइंट फाइव माइनस फाइव, तो थ्री पॉइंट फाइव माइनस फाइव को जब आप माइनस करोगे, थ्री पॉइंट फाइव माइनस फाइव यानी कि वन पॉइंट फाइव विच इज़ ग्रेटर देन फाइव, तो यहाँ से जो लास्ट ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो जाता है। अब हमें ए और सी चेक करना है, तो उसके लिए हम एक अलग से काउंटर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम दोबारा से लेंगे ऐसा, अब हम फिर से एक ऐसा जेड लेंगे जिसके इसमें क्या हो कि जो रियल पार्ट है वो क्या हो, लेस देन जीरो, है ना। तो चलिए अगर मैं यहाँ पे इसको आप यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। चलिए नाउ लेट जेड इज इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा, अब माइनस वन जो है लेस देन जीरो है, ठीक है। रियल पार्ट ये भी आपका कहाँ से है, एस से। अब इसकी इमेज फाइंड आउट कीजिए, टी ऑफ माइनस वन प्लस आयोटा, तो ये क्या आएगा, दिस इज फाइव माइनस वन माइनस आयोटा प्लस टू एंड डिवाइडेड बाय माइनस वन माइनस आयोटा प्लस वन, ये कैंसिल हो गया और इधर से आ गया फाइव इंटू आयोटा प्लस वन, ठीक है। आयोटा एक मिनट, ये आपका आ जाएगा फाइव इंटू और ये होगा वन माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे जब हम तो ये यहाँ से आ जाएगा फाइव इंटू आयोटा प्लस वन एंड डिवाइडेड बाय वन, ठीक है। ओके तो ये हो गया फाइव इंटू आयोटा प्लस वन, ठीक है। तो मोड ऑफ डब्लू निकालिए यहाँ से, क्या आ जाएगा, स्क्वेयर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव यानी कि स्क्वेयर रूट ऑफ फिफ्टी। जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आपकी सेवन पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। तो जो सेवन पॉइंट समथिंग है विच इज़ ग्रेटर देन फाइव, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका रिजेक्ट हो जाता है, तो एक ही ऑप्शन बचता है ओनली सी ऑप्शन, तो यहाँ से जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें काउंटर एग्जांपल लेके करने पड़ते हैं। देखो इमेज फाइंड आउट करनी थी तो हम यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट ले लेंगे जिसका रियल पार्ट क्या हो, लेस देन जीरो हो, तो हम वहाँ से काउंटर एग्जांपल लेके कुछ ऑप्शंस को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने यही किया है और कुछ क्या, हमने तो यहाँ पर तीनों के तीनों ऑप्शन ही रिजेक्ट कर दिए, तो एक ही ऑप्शन बचा तो वो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी आपका 2021 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। लेट आर इज इक्वल टू फोर ओल जेड इन सी सच दैट एक्स लाइंग बिटवीन जीरो टू वन एंड वाई लाइंग बिटवीन माइनस इलेवन पाई टू इलेवन पाई एंड गामा बी द पॉजिटिवली ओरिएंटेड बाउंड्री ऑफ आर, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर जेड अपॉन ई रेज टू द पावर जेड माइनस टू डी जेड। तो ये तो ठीक है कि हम इस क्वेश्चन को कोसी इंटीग्रल से कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें रीजन यहाँ पे ड्रॉ करना होगा कि किस रीजन के अंदर हमें यहाँ पे सिंगुलैरिटी देखनी है, ठीक है।
तो देखिए कैसे करोगे जल्दी से। रीजन किया ड्रो, रीजन क्या होगा देखो, जो एक्स है वो 0 से 1 के बीच में है ना। एक्स आपका कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 के बीच में है ना। कैसे करोगे, दिस इज रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस है ना ओरिजिन। अब एक्स जो है वो 0 से 1 के बीच में है ठीक है ये, और वाई जो है वो 11 pi 2 - 11 pi 2 11 pi, ये हो गया आपका -11 pi, दिस इज 11 pi ठीक है। तो ये है आपका रीजन जो रेक्टेंगल है ना। ये इस रीजन में हमें फाइंड आउट करना है ये सारा ठीक है, बाउंड्री नहीं है ये ठीक है। चलिए अब आप इसको है ना, या तो कोसी रेजिड्यू फॉर्मूला से कर सकते हो ठीक है, या फिर आप आर्गुमेंट प्रिंसिपल से कर सकते हो। ओके आपके पास 2 मेथड्स है इसको करने के लिए, एक तो आपके पास है कोसी रेजिड्यू फॉर्मूला ठीक है, और एक आपके पास है आर्गुमेंट प्रिंसिपल ओके। तो मेरे को जो कोसी रेजिड्यू फॉर्मूला है ये मेरे को लॉन्ग मेथड लगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ पे रेजिड्यू फाइंड आउट करने पड़ेंगे हर एक पॉइंट के लिए, ये मेरे को थोड़ा सा शॉर्ट मेथड लगा इस क्वेश्चन के लिए ठीक है। तो मैं यहाँ पे आर्गुमेंट प्रिंसिपल अप्लाई करूँगी, अगर आपका मन करे तो आप कोसी रेजिड्यू फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो ठीक है। तो चलिए हम आर्गुमेंट प्रिंसिपल से करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा
इंटीग्रेशन ई रेज टू दी पावर जेड अपॉन ई रेज टू दी पावर जेड माइनस टू डी डी जेड, ठीक है। तो जो आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल है ये हमें क्या बोलता है कि वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ डैश जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड, ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ जीरोज माइनस नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ जेड यहाँ पे क्या है, आप इसको कुछ और नाम दे दीजिए, ये एफ वन मान लीजिए। तो एफ ऑफ जेड यहाँ पे क्या है, ई रेज टू द पावर जेड माइनस टू है, ठीक है। तो इसके पास जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, देखिए यहाँ पे जो पोल है नंबर ऑफ पोल्स तो यहाँ पे जीरो होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ जीरोज की, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ ऑफ जेड क्या होंगी, नंबर ऑफ जीरोज किसके अंदर, इन रेक्टेंगल, ठीक है। जो आर आपके पास रेक्टेंगल दिया हुआ है तो यहाँ पे बताइए जल्दी से कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगी, ठीक है, बोलिए। नंबर ऑफ जीरोज मीन्स ई रेज टू द पावर माइनस जेड, ये कहाँ पर जीरो होगा, ई रेज टू द पावर जेड इज इक्वल टू टू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज ई रेज टू द पावर लॉग ऑफ टू प्लस टू एन पाई आयोटा। तो यहाँ से जेड क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ टू प्लस टू एन पाई आयोटा। अब हमें आर रेक्टेंगल के अंदर चेक करना है, और जो एन है वो कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर से, ठीक है। तो चलिए अब आपके पास क्या आ गया, जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ टू प्लस टू एन पाई आयोटा, एन क्या है, इंटीजर से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट को देखें तो एक्स आपके पास लॉग ऑफ टू है एंड वाई आपके पास टू एन पाई है, तो एक्स आपका जीरो टू वन के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जो लॉग ऑफ टू है ये आपका जीरो टू वन के बीच में ही लाई करेगा। अब जो वाई है ये आपका माइनस इलेवन पाई टू इलेवन पाई के अंदर होना चाहिए, है ना। तो हमें यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि किस एन के लिए ये आपका टू एन पाई है जो माइनस इलेवन पाई टू प्लस इलेवन पाई के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एन को जीरो लूँ, दिस इम्प्लाइज वाई क्या आ जाएगा, जीरो, और ये आपका माइनस इलेवन पाई टू प्लस इलेवन पाई के बीच में ही लाई करेगा। अगर मैं एन को वन लूँ तो वाई आपके पास क्या आ जाएगा, टू पाई, तो ये भी आपका यहीं पे लाई करेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एन को टू लूँ तो वाई आपके पास क्या आएगा, फोर पाई, तो ये भी आपका इसी इंटरवल में आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर एन को थ्री लूँ तो वाई आपके पास क्या आएगा, सिक्स पाई, तो ये भी आपका इसी इंटरवल में आएगा, ठीक है, इलेवन पाई टू, ओके। अगर एन को फोर लें तो आपके पास वाई क्या आएगा, एट पाई, ये भी आपका इसी इंटरवल में आएगा। अगर मैं यहाँ पे एन को फाइव लूँ तो ये आपके पास क्या आएगा, टेन पाई, तो ये भी आपका इसी इंटरवल में आएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं एन को सिक्स कंसिडर करूँ तो वाई आपके पास ट्वेल्व पाई आएगा, जो ट्वेल्व पाई है वो आपका इस इंटरवल में नहीं जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे आगे का एक भी पॉइंट आपका इस इंटरवल में नहीं जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो नंबर ऑफ जीरोज है वो कितनी आ गई, वन टू थ्री फोर, एक मिनट, माइनस वाले भी लेने हैं ना हमें साथ में, ठीक है। तो यहाँ से ओके प्लस माइनस कर लीजिए साथ में, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इंटीजर से बिलोंग करता है ना एन, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो एक जीरो यहाँ से हो गई, टू टू टू, यहाँ से टू और यहाँ से टू, तो कितनी हो गई, टू फोर सिक्स एट टेन एंड इलेवन। तो नंबर ऑफ जीरोज जो हैं वो आपके पास हो जाएंगी इलेवन माइनस जीरो, तो ये आपके पास आ जाएगा इलेवन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आंसर आपका आ गया इलेवन, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर, ये भी आपका 2021 का ही क्वेश्चन है। कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे, देखिए
लेट डी इज इक्वल टू फोर ओल जेड इन सी सच दैट मोड ऑफ जेड इज लेस देन टू पाई. ओके एंड एफ फ्रॉम डी टू सी विद द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू थ्री जेड स्क्वेयर अपॉन वन माइनस कोस ऑफ जेड इफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड सिक्स इफ जेड इज इक्वल टू जीरो इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए एंड जेड रेज टू द पावर एन फोर जेड बिलोंग्स टू डी देन सिक्स ए टू. अब यहाँ पे ये ए टू जो है इसका मतलब क्या है, दिस इज कोफिशियंट ऑफ सिक्स ए टू कोफिशियंट ऑफ जेड स्क्वेयर है ना, यही है. चलिए तो एफ ऑफ जेड जो हमें दिया हुआ है अगर हम वहाँ पे कोस ऑफ जेड की एक्सपेंशन रखें, देखिए एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू थ्री जेड स्क्वेयर अपॉन वन माइनस कोस ऑफ जेड, तो ये क्या होगा थ्री जेड स्क्वेयर अपॉन वन माइनस कोस ऑफ जेड की एक्सपेंशन क्या होगी वन माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस जेड रेज टू द पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन. ठीक है तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा माइनस वन से प्लस वन कैंसिल होगा एंड दिस इज थ्री जेड स्क्वेयर अपॉन टू फैक्टोरियल एंड माइनस जेड रेज टू द पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल प्लस अप टू सो. ठीक है तो यहाँ से थ्री अपॉन ये वन बाई टू आप कॉमन ले लीजिए जेड स्क्वेयर से जेड स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या रहेगा वन माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन ट्वेल्व प्लस अप टू सोन. ठीक है तो अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा सिक्स और ये होगा वन माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन ट्वेल्व प्लस अप टू सोन एंड यहाँ पे ये हो जाएगी इनवर्स. ओके एंड दिस इज सिक्स और ये होगा वन प्लस ये वन माइनस एक्स इनवर्स किसके इक्वल होता है वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब ऐसे है ना, तो ये हो जाएगा वन प्लस जेड स्क्वेयर बाई ट्वेल्व. क्यों हम आगे वाले टर्म्स इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमें सिर्फ कोफिशियंट ऑफ जेड स्क्वेयर चाहिए है ना. तो यहाँ से देखिए कोफिशियंट ऑफ जेड स्क्वेयर इज क्या आएगा इज सिक्स बाई ट्वेल्व. ठीक है तो ये आ गया वन बाई टू, हमें वैल्यू निकालनी है सिक्स ए टू की तो ये हो जाएगा सिक्स इंटू वन बाई टू यानी कि थ्री. ठीक है तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा थ्री. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका 2021 का ही क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करनी है. ठीक है तो देखिए रोज थ्योरम के कितने क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक है ना, तो ये भी आपका रोज थ्योरम पे ही डिपेंड है. द नंबर ऑफ जीरोज काउंटिंग मल्टीप्लीसिटी ऑफ पी ऑफ जेड इज इक्वल टू थ्री जेड स्क्वेयर प्लस टू आयोटा जेड स्क्वेयर प्लस सेवन आयोटा जेड प्लस वन इन द एनुअल रीजन. अब यहाँ पे देखिए रीजन क्या दिया है, जो मोड ऑफ जेड है वो वन टू सेवन के बीच में रिंग शेप्ड रीजन यहाँ पे दे दिया. अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ भी करूँ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा दिस इज वन एंड दिस इज सेवन. ओके माइनस वन एंड से दिस इज माइनस सेवन. ओके तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आपके पास जो रीजन है वो ये होगा और स्ट्रिक्टली लेस देन और ग्रेटर देन है तो बाउंड्री कंटेन नहीं होगी. ठीक है ये अच्छे से कर लेना. ठीक है ये होगा. ठीक है तो दिस इज आपका जो रीजन है अब ये. ठीक है ये अंदर वाला. ठीक है यहाँ पे हमें चेक करना है इसकी जीरोज इस रीजन के अंदर हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है यहाँ पे चलिए देखिए आपके पास फंक्शन दिया हुआ है पी ऑफ जेड इज थ्री जेड रेज टू द पावर फाइव प्लस टू आयोटा जेड स्क्वेयर प्लस सेवन आयोटा जेड प्लस वन. ठीक है तो बाय रोज थ्योरम एफ ऑफ जेड को हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं इज थ्री जेड रेज टू द पावर फाइव एंड जी ऑफ जेड को आप ले लीजिए टू आयोटा जेड रेज टू द पावर टू प्लस सेवन आयोटा जेड प्लस वन. ठीक है तो यहाँ पे देखिए जो मोड ऑफ जेड है आपके पास वो क्या दिया हुआ है वन टू सेवन है ना, हमें दिया हुआ है गिवन दैट वन
मोड ऑफ जेड लेस देन 7, ये दी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से मोड ऑफ एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करूँ तो वो क्या आएगा, 3 मोड ऑफ जेड रेज टू दी पावर 5, है ना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 रेज टू दी पावर 5। एंड मोड ऑफ जी ऑफ जेड आपके पास क्या होगा, इज मोड ऑफ 2 आयोटा जेड स्क्वेयर प्लस 7 आयोटा जेड प्लस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 7 रेज टू दी पावर 2 प्लस 7 इंटू 7 प्लस 1, ठीक है। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो आएगा मोड ऑफ एफ ऑफ जेड हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर मोड ऑफ जी ऑफ जेड। देन बाय रोज थ्योरम जीरोज ऑफ एफ ऑफ जेड क्या होगी, इन जीरोज क्या होंगी, जीरोज ऑफ एफ ऑफ जेड क्या होगी, जीरोज जल्दी से बोलिए। देखिए हमें यहाँ पे जीरोज फाइंड आउट करनी है 1 और 7 के बीच, है ना। तो यहाँ से देखिए अगर मोड ऑफ जेड हम लेस देन 7 लेंगे तो उसके इसमें 5 जीरोज आएंगी, है ना। जीरोज ऑफ एफ ऑफ जेड इन मोड ऑफ जेड लेस देन 7, तो कितनी आएंगी, 5 आएंगी विद काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड के पास भी कितनी जीरोज होंगी, इसके पास भी 5 जीरोज होंगी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 के लिए, तो उसके लिए मैं यहाँ फंक्शन कंसिडर कर लेती हूँ। नाउ इन मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ जेड यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए 7 आयोटा जेड, एंड जी ऑफ जेड इज इक्वल टू 3 जेड रेज टू दी पावर 5 प्लस 2 आयोटा जेड स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से जो मोड ऑफ जी जेड आएगा वो आपके पास 6 हो जाएगा, है ना। एंड मोड ऑफ एफ ऑफ जेड यहाँ से क्या हो जाएगा, इज 7। तो यहाँ पे भी जो मोड ऑफ एफ ऑफ जेड है इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मोड ऑफ जी ऑफ जेड, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एफ ऑफ जेड की जीरोज की बात करूँ तो क्या होगी, हैज 1 रूट ओनली इन साइड मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड के पास भी कितनी हो जाएंगी, फिर 1, है ना। देन एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड हैज़ 1 रूट इन साइड मोड ऑफ जेड लेस देन 1। अब हमें किस में फाइंड आउट करनी है, 1 to 7 के बीच में, है ना। तो यहाँ से अगर मैं नाउ इन 1 लेस देन मोड ऑफ जेड लेस देन 7, तो इसके पास कितनी होंगी, इसके पास जीरोज आपके पास होंगी 5 - 1, यानी कि 4 नंबर ऑफ जीरोज होंगी इन साइड दिस, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितनी आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तो हम इसकी जीरोज फाइंड आउट करने लग गए, एक हम इसकी, ठीक है। तो अगर हम माइनस कर देंगे तो अपने बीच वाले की आ जाएगी, तो हमने वही किया है। तो यहाँ पे 5 नंबर ऑफ जीरोज आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये आपका है 2020 का, ओके। तो 2020 में देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। 2020 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट इज लॉग ऑफ मोड ऑफ जेड इज हार्मोनिक ऑन सी माइनस जीरो। बताइए जल्दी से, क्या लॉग ऑफ मोड ऑफ जेड हार्मोनिक होगा, हार्मोनिक होगा, बोलिए। क्या ये हार्मोनिक होगा, देखिए आपके पास यहाँ पे लॉग ऑफ मोड ऑफ जेड दिया हुआ है, है ना। लॉग ऑफ मोड ऑफ जेड इज हार्मोनिक, कैसे करोगे, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में है लॉग ऑफ मोड ऑफ जेड। हार्मोनिक का मतलब क्या है कि लैपलेस इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो लैपलेस इक्वेशन क्या होगी, लेट से एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू फर्स्ट के लिए लॉग ऑफ मोड ऑफ जेड, ठीक है।
तो यहाँ से एफ एक्स एक्स क्या आएगा, हार्मोनिक के लिए ये होना चाहिए कि एफ एक्स एक्स प्लस एफ वाई वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना, फोर हार्मोनिक। ओके, अब यहाँ पे मॉडुलस में दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं पोलर फॉर्म में कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ऐसे तो डिफरेंशिएशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे पोलर फॉर्म में कर लेते हैं। पोलर फॉर्म में क्या होगा, इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में क्या होगी इक्वेशन, आर स्क्वेयर एफ डबल आर प्लस आर एफ आर प्लस एफ डबल थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो एफ आपके पास क्या दिया हुआ है, इज लॉग ऑफ आर, तो यहाँ से एफ आर आर क्या होगा, इज वन अपॉन आर स्क्वेयर माइनस वन अपॉन आर स्क्वेयर, एंड एफ थीटा थीटा ज़ीरो हो जाएगा, एंड एफ आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर। तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे, दिस इम्प्लाइज आर स्क्वेयर इंटू माइनस वन अपॉन आर स्क्वेयर प्लस आर बाई आर प्लस ज़ीरो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एफ इज हार्मोनिक, तो यहाँ से ये तो हार्मोनिक हो गया, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपके बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ से देखिए, डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। अब हमें सेकंड चेक करना है, सेकंड में क्या कहा है, लॉग ऑफ मोड ऑफ जेड हैज़ ए हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे हार्मोनिक कॉन्जुगेट की बात कर दी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, हार्मोनिक कॉन्जुगेट की बात की है, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए एफ आपके पास क्या दिया हुआ है, लॉग ऑफ मोड ऑफ जेड, है ना, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट के लिए क्या करोगे, लेट वी, हमने मान लिया कि जो v है वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, ठीक है, लेट v बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑन c माइनस ज़ीरो, या फिर हम इसको c स्टार भी बोल देते हैं। दिस इम्प्लाइज log ऑफ z प्लस आयोटा v जो होगा वो क्या होगा, एनालिटिक हो जाएगा, इज एनालिटिक ऑन c माइनस जीरो, यानी कि सी स्टार। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास हम इसको ये भी बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज लॉग ऑफ मोड जेड प्लस आयोटा वी इज एनालिटिक ऑन सी माइनस माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, है ना। ओके, बट अब हमें पता है कि जो कैपिटल लॉग जेड होता है वो आपका इसके इक्वल होता है, बट कैपिटल लॉग ऑफ जेड इज इक्वल टू स्मॉल लॉग ऑफ मोड जेड प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज आल्सो एनालिटिक, इज आल्सो एनालिटिक ऑन सी माइनस माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि जो यहाँ पे रियल पार्ट हैं, यहाँ पे इन दोनों के जो रियल पार्ट्स हैं वो तो दोनों के सेम हैं, ये देखिए लॉग ऑफ मोड जेड, यहाँ पे भी लॉग ऑफ मोड जेड, बट यहाँ पे जो इमेजनरी है यहाँ पे ये आर्गुमेंट ऑफ जेड है और यहाँ पे क्या है, वी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, एक तो हो गया वी और एक हो गया आर्गुमेंट ऑफ जेड, है ना। ठीक है, लेकिन जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं वो तो दोनों सेम होते हैं, मतलब एक यूनिक होता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट तो, बट यहाँ पे तो क्या आ गए, दो हार्मोनिक कॉन्जुगेट आ गए, है ना। देखिए हमें पता है, बट वी नो हार्मोनिक कॉन्जुगेट हार्मोनिक कॉन्जुगेट यूनिक अप टू कॉन्स्टेंट। ओके, अप टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से जो वी है वो आपके पास क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस सी लिख सकते हैं हम ऐसे। अब वी की जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे कहाँ पे, इस इक्वेशन में वी की जो वैल्यू है वो हम कहाँ पे पुट कर देंगे, नाउ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ वी, वी की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा,
log of mod of z plus iota argument of z plus c, okay, is analytic in c minus 0, okay. This implies, यहाँ से ये क्या आ गया, this implies log of z plus c is analytic इन सी माइनस जीरो. बट हमें पता कि जो कैपिटल लॉग जेड है वो यहाँ पे तो एनालिटिक नहीं होता, क्योंकि जो इसकी इमेजिनरी लाइन जो होती है वहाँ पे सिंगुलैरिटी मिलती है इसकी, है ना, इमेजिनरी एक्सिस पे. तो यहाँ से तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, बिकॉज लॉग ऑफ जेड इज एनालिटिक इन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो. ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देना दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन. Contradiction because log of z is analytic in c minus infinity to zero. ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी second जो statement है ये आपकी incorrect हो जाएगी यहाँ से. ठीक है, only first statement is correct statement. Okay, चलो नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, लेट जी एंड एच बी डिफाइंड बाय जी इज इक्वल टू सी माइनस फोर होल जेड इन सी सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू जीरो एंड एच इज इक्वल टू फोर होल जेड इन सी सच दैट एक्स इन जेड एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू जीरो. सपोज दैट एफ एंड जी आर एनालिटिक फंक्शन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट इज इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ डी जेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ गामा इन जी जॉइनिंग माइनस आयोटा एंड आयोटा. तो यहाँ पे देखिए जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है इसका क्या मतलब है. ठीक है, तो सबसे पहले तो यही पता हमें होना चाहिए कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, ठीक है, तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है या फिर नहीं है. ठीक है, चलिए हम पहले लिख लेते हैं रिजल्ट क्या होते हैं आपके पास. इफ एफ इज एनालिटिक इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी देन F is path independent in D. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें F आपका क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए सिंपली कनेक्टेड डोमेन में. तो जो F है वो क्या हो जाएगा, पाथ इंडिपेंडेंट इन D. ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट इन D. ओके, तो अब हमें यहाँ पे एफ को पाथ इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, तो उसके लिए जो जी है उसको क्या दिखाना पड़ेगा, जो एफ है वो इस जी के अंदर, यानी कि जी जो सिंपली कनेक्टेड डोमेन होना चाहिए और ये उसके अंदर क्या होगा, एनालिटिक होगा. ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड के लिए करेंगे. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट के लिए अगर हम करें यहाँ पे, तो आपको क्या दिया हुआ है, जी जी का अगर फिगर हम ड्रॉ करें तो जी में आपको दिया हुआ है कि फोर ओल जेड इन सी सच दैट एक्स जो होगा ये माइनस करने हैं ये पॉइंट्स, वाई जीरो, ठीक है, एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो. ठीक है, ये पॉइंट्स माइनस करने, यानी कि जो जी का फिगर होगा, देखिए एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई. ठीक है, तो यहाँ पे जो जी आपके पास दिया हुआ है, वाई जीरो को माइनस करना है, वाई जीरो और एक्स क्या होना चाहिए वहाँ पे, देखो वाई जीरो तो ये लाइन हो जाएगी, ये पूरी की पूरी वाई इज इक्वल टू जीरो, है ना, ये पूरी की पूरी ये. ठीक है, अब उसके बाद क्या कहा कि वाई जीरो और एक्स भी क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो. तो एक्स लेस देन जीरो का मतलब तो ये है, ये है ना, एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो.
तो जो ये पोर्शन है ना, ये लाइन जो ये सारी की सारी यहाँ से ख़त्म कर दी गई, ये लाइन यहाँ पे क्या कर दी, ख़त्म कर दी, ठीक है। तो अब जो ये पोर्शन आपका रह गया, ये जो सारा पोर्शन है, अब सिर्फ इस लाइन को छोड़कर, ठीक है, बस इस लाइन को छोड़कर ये जो सारा पोर्शन है, ये आपका क्या है, जी है, ठीक है। तो देखिए क्या ये जो जी है, ये क्या सिंपली कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, जी, ठीक है। अब सिंपली कनेक्टेड का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक, अगर मैं यहाँ पे एक ये रीजन ले लिया, ये ले लिया, ये यहाँ पे जो भी आपके पास ये डोमेन दी हुई है, तो क्या ये जो सारा एरिया है ये इसके अंदर है, जी बिल्कुल, हर एक पॉइंट इसके अंदर ही है, ठीक है, आपके जी के ही पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे। तो यहाँ पे देखिए जो जी है आपके पास वो क्या है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, ठीक है। जी इज सिंपली कनेक्टेड डोमेन, और एफ क्या है इस सिंपली कनेक्टेड डोमेन पे, एनालिटिक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ इज पाथ कनेक्टेड, ठीक है, एफ इज पाथ कनेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी ट्रू हो जाती है। सेकंड में क्या कहा, जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ गामा। अब यहाँ पे जी की बात की है, तो जी के लिए हमें एच का फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एच के लिए, एच देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एच इज इक्वल टू फोर ऑल जेड इन सी, ओके, सॉरी सी में से माइनस करने हैं ना ये पॉइंट्स, तो सी में से कौन से पॉइंट्स माइनस करने हैं, फोर ऑल जेड इन सी सच दैट एक्स इन जेड, एक्स जेड से बिलोंग करेगा, एक्स आपका लेस देन इक्वल टू जीरो होगा एंड वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो फिगर ड्रॉ कीजिए यहाँ पे, ओके, तो देखिए सबसे पहले y इज इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू जीरो ये लाइन हो गई आपकी, y इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये आपके पास हो गया, दिस इज y इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद लेस देन जीरो लेना है हमें, तो लेस देन जीरो के केस में आपकी ये लाइन आएगी, तो ये आपके पास हो गया, दिस इज x इज लेस देन इक्वल टू जीरो। उसके बाद x आपका इंटीजर से बिलोंग करेगा, अब जब इंटीजर से बिलोंग करेगा तो कौन से पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे, ये आपका जीरो आ गया, माइनस वन हो गया, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, ये सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, सारे इंटीजर्स। अब ये बताइए मेरे को कि क्या ये पाथ कनेक्टेड होगी। अब देखो जो ये सारा रीजन बच गया ना, ये आपका एच है, ठीक है, ये आपका सारा एच है। अब एक चीज़ बताइए, अगर मैं यहाँ से ये एक सर्कल ड्रॉ कर लूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँ, ये अगर मैं यहाँ पे एक ये सर्कल ड्रॉ करूँ, तो क्या सारे के सारे पॉइंट्स एच के अंदर है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे देखिए जो ये जीरो है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, तो यहाँ पे देखिए जो जीरो है वो आपका एच के अंदर नहीं है, माइनस वन है वो भी आपका एच के अंदर नहीं है, माइनस टू भी आपका एच के अंदर नहीं है, माइनस थ्री भी आपका एच के अंदर नहीं है, माइनस फोर भी आपका एच के अंदर नहीं है, ठीक है। तो जो हमने ये रीजन लिया, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मिल गए जो एच के अंदर नहीं है, है ना। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज एच इज नॉट सिंपली कनेक्टेड डोमेन, ठीक है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन, ठीक है। तो यहाँ से जो सेकंड स्टेटमेंट है आपकी, वो आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर वन बाई जेड सच दैट जेड बिलोंग्स टू सी माइनस जीरो एंड लेट फोर एन बिलोंग्स टू एन आर एन जो हमें यहाँ पे रेक्टेंगल दिया है फोर ऑल जेड इन सी सच दैट मोड ऑफ एक्स इज लेस देन वन बाई एन एंड मोड ऑफ वाई इज लेस देन वन बाई एन एंड माइनस जीरो, जीरो को यहाँ से माइनस कर दिया इसने, ठीक है। तो इसका फिगर कैसे ड्रॉ करोगे, सबसे पहले तो फिगर पता होना चाहिए, है ना। चलिए आर एन यहाँ पे देखिए क्या आएगा, आर एन दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज
वाई एक्सिस, ठीक है। जो मोड ऑफ एक्स है आपके पास क्या है, लेस देन वन बाई एन है, एंड मोड ऑफ वाई इज ऑल्सो लेस देन वन बाई एन। तो ये हो गया आपका वन बाई एन, एंड दिस इज माइनस वन बाई एन, दिस इज वन बाई एन, एंड दिस इज माइनस वन बाई एन। अब स्ट्रिक्टली लेस देन दिया हुआ है तो बाउंड्री तो आएगी नहीं, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास ये, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या है, दिस इज आर एन, ओके। अब ऑप्शंस में आर एन प्लस वन का भी डिस्कस किया गया है, तो हम आर एन प्लस वन भी कर ही लेते हैं, ठीक है। वन अपॉन एन प्लस वन जो होगा वो लेस देन होगा वन बाई एन से, तो यहाँ पे होगा वन अपॉन एन प्लस वन, दिस इज माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, एंड दिस इज वन अपॉन एन प्लस वन, एंड दिस इज माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो आर एन प्लस वन है वो आपका कम्प्लीटली आर एन के अंदर कंटेन करेगा, दिस इज आर एन प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि आर एन प्लस वन जो है वो कम्प्लीटली आपका आर एन के अंदर कंटेन कर गया, ठीक है। और डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जीरो, जीरो आपका इसके अंदर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देना डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जीरो, ठीक है। जीरो इसके अंदर नहीं है, यहाँ से जीरो को निकाल दीजिए, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, क्या फाइंड आउट करना है, देखिए फर्स्ट में क्लोजर ऑफ एफ ऑफ आर एन प्लस वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ आर एन, क्लोजर ऑफ एफ ऑफ आर एन प्लस वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ आर एन। देखो जो एफ ऑफ जेड है क्या है, इज ई रेज टू द पावर वन बाई जेड, ठीक है। अगर आपको पता हो कि जो ई रेज टू द पावर वन बाई जेड है इसके पास इसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है एट जीरो पर, ठीक है, इसेंशियल सिंगुलैरिटी, ठीक है, जीरो पर इसके पास इसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है। अब इसी पे बेस्ड आपके पास एक रिजल्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, थ्योरम ही है। थ्योरम का नाम क्या है, कैशोराटी वियास्ट्रास थ्योरम, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए स्टेटमेंट आपके पास क्या है, कैशोराटी वियास्ट्रास थ्योरम। थ्योरम की स्टेटमेंट है आपके पास, लेट जेड नोट बी एन इसेंशियल सिंगुलैरिटी बी एन इसेंशियल सिंगुलैरिटी ऑफ फंक्शन एफ देन गिवन अल्फा in C, there exists a sequence Z n in D, Z note R minus Z note such that Z n tend to Z note and F of Z n tend to alpha। देखिए ये स्टेटमेंट तो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप समझ पाओ, ठीक है। आप एक काम करो अभी क्वेश्चन के ओवरव्यू के लिए, देखो जो कैसोराटी वियास्ट्रास थ्योरम है ये आपको इमेज के बारे में बताती है, ठीक है, कि फंक्शन कि जिस पॉइंट पर इसेंशियल सिंगुलैरिटी है उसका नेबरहुड जो है वो डेंस होता है, ठीक है। ध्यान रखना कि जो फंक्शन है जिस पॉइंट पर उसकी इसेंशियल सिंगुलैरिटी है, ठीक है, उसका जो नेबरहुड होगा वो क्या होगा, डेंस होगा। अब जो आपके पास फंक्शन एफ ऑफ जेड दिया हुआ है क्या है, ई रेज टू द पावर वन बाई जेड,
अब इसके पास जीरो पे इसेंशियल सिंगुलैरिटी है, ठीक है, इसेंशियल सिंगुलैरिटी है, तो इस जीरो का जो नेबरहुड होगा, ठीक है, उसका नेबरहुड क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एफ ऑफ आर एन प्लस वन की बात करनी है, तो जो एफ ऑफ आर एन प्लस वन है ये जीरो के नेबरहुड की इमेज है, है ना, जो एफ ऑफ आर एन है, एफ ऑफ आर एन प्लस वन है, ये आपके पास क्या है, इज इमेज ऑफ नेबरहुड ऑफ जीरो, ठीक है, जीरो के नेबरहुड की इमेज है ये, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोजर ऑफ एफ ऑफ आर एन प्लस वन इज इक्वल टू सी इन्फिनिटी हो जाएगा क्लोजर, है ना, क्योंकि मैंने क्या कहा कि फंक्शन की जिस पॉइंट पर इसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है उसका नेबरहुड जीरो हो जाता है, ठीक है, तो अब आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, आपके ऑप्शन में अगर मैं अब एफ ऑफ आर एन की बात करूँ तो जो एफ ऑफ आर एन है ये आपके पास क्या है, देखो ये तो आपके पास सी इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब इसके अंदर तो जीरो भी होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो जीरो तो इसके अंदर है ही नहीं, एफ ऑफ आर एन के अंदर, है ना, जीरो तो इसके अंदर है ही नहीं एफ ऑफ आर एन के अंदर, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि क्लोजर ऑफ एफ ऑफ आर एन प्लस वन जो होगा इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ आर एन, है ना, क्योंकि ये तो सी इन्फिनिटी है और सी इन्फिनिटी है तो मतलब जीरो भी होगा, बट एफ ऑफ आर एन के अंदर तो जीरो ही नहीं है, है ना, तो यहाँ से देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन की तरफ चलिए, सेकंड ऑप्शन में क्या कहा, क्लोजर ऑफ एफ ऑफ आर एन, क्लोजर ऑफ एफ ऑफ आर एन ये आपका सी इन्फिनिटी हो जाएगा, और क्लोजर ऑफ एफ ऑफ आर एन प्लस वन ये भी आपका, ये आपका सी इन्फिनिटी माइनस ये भी आपका सी इन्फिनिटी, और ये आपका एफ ऑफ आर एन माइनस एफ ऑफ आर एन प्लस वन, ठीक है, तो एफ ऑफ आर एन माइनस एफ ऑफ आर एन प्लस वन जो होगा ये आपका नॉन एम्पिटी आएगा, ठीक है, अगर हम क्लोजर की बात करें इसकी तो ये आपका नॉन एम्पिटी आएगा, ओके, ये आपका क्या आएगा, नॉन एम्पिटी आएगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये आपका एम्पिटी आ गया, ये आपका एम्पिटी आ गया, तो यहाँ से नॉट इक्वल टू नॉन एम्पिटी, तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में क्या कहा कि क्लोजर ऑफ एफ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एन वन टू इन्फिनिटी आर एन इज इक्वल टू इंटरसेक्शन एन वन टू इन्फिनिटी एफ ऑफ क्लोजर ऑफ आर एन, तो ये तो आपका हो जाएगा सी इन्फिनिटी, और अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके पास जो होगा जब हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास एम पी टी आएगा, ठीक है, तो यहाँ से ये भी इक्वल नहीं होंगे तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये आपका सी इन्फिनिटी होगा और ये भी सी इन्फिनिटी, तो यहाँ से डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इफ एफ फ्रॉम सी माइनस इन्फिनिटी टू सी इज ए फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड बाय मोड ऑफ जेड एंड इट्स रिस्ट्रिक्शन टू बी यूनिट सर्कल कंटिन्यूस देन, ठीक है, इसकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो यूनिट सर्कल पर है, यूनिट सर्कल पर जो ये फंक्शन है ये कंटिन्यूस है, ठीक है, देन फर्स्ट इज एफ इज कंटिन्यूस बट नॉट नेसेसरली एनालिटिक, सेकंड इज एफ इज एनालिटिक बट नॉट नेसेसरी ए कांस्टेंट फंक्शन, एंड सी ऑप्शन इज एफ इज कांस्टेंट फंक्शन एंड डी इज लिमिट एट जेड टेंड टू जीरो एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट, ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, देखिए जो फंक्शन है आपका ये यूनिट सर्कल पे क्या है, कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस है ना, और जो जेड अपॉन मोड ऑफ जेड है ये आपका यूनिट सर्कल का ही पॉइंट है, क्योंकि जो मोड ऑफ, अगर मैं इसका मोड फाइंड आउट करूँ तो वो क्या आएगा, वन आएगा, है ना, देखिए हमें क्या दिया हुआ है, देखिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है एफ इज कंटिन्यूस ऑन यूनिट सर्कल, ठीक है, एफ इज कंटिन्यूस ऑन यूनिट सर्कल, और यहाँ पे जो एफ ऑफ जेड दे दिया, एफ ऑफ जेड किसके इक्वल है, एफ ऑफ जेड अपॉन मोड ऑफ जेड, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये फाइंड आउट कर दूँ कि जो ये पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं
ये आपके उस यूनिट सर्कल के ही अंदर है, तो हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो एवरी वेयर कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं जेड अपॉन मोड ऑफ जेड फाइंड आउट करूँ तो ये क्या आएगा, वन आएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जेड अपॉन मोड ऑफ जेड इज ए पॉइंट ऑफ यूनिट सर्कल। ठीक है, और हमें फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है यूनिट सर्कल पर, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज एफ इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, क्योंकि यूनिट सर्कल पर हमें कंटिन्यूस दिया हुआ है, और जो ये पॉइंट्स है ये भी आपके यूनिट सर्कल के ही है। ठीक है, तो फंक्शन आपका हर जगह पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब यहाँ पे देखिए, फंक्शन आपका कंटिन्यूस तो आ गया, बट ये तो ज़रूरी नहीं है कि ये एनालिटिक भी हो, है ना, बट नॉट नेसेसरी इज़ एनालिटिक। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। अगर आपको काउंटर एग्जांपल लेके देखना है तो आप काउंटर एग्जांपल भी ले सकते हो, एफ ऑफ जेड को आप यही कंसिडर कर लीजिए। नाउ कंसिडर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन मोड ऑफ जेड, बट की काउंटर एग्जाम्पल से आपके अदर ऑप्शन भी हो जाएंगे, है ना। तो देखिए, जो जेड है आपका वो क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड अपॉन जेड बार, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एफ ऑफ जेड क्या है, जेड अपॉन मोड ऑफ जेड, और ये आपके पास क्या है, जेड अपॉन मोड ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड अपॉन मोड ऑफ जेड, तो ये आपका हो जाएगा जेड अपॉन मोड ऑफ जेड। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पे देखिए कि जो एफ ऑफ जेड है वो आपका कहाँ पे कंटिन्यूस है, इज कंटिन्यूस ऑन सी माइनस जीरो। ठीक है, तो ये यहाँ पे सी माइनस जीरो पर कंटिन्यूस है। ठीक है, लेकिन जो एफ है वो आपका एनालिटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो जेड है ये तो आपका एनालिटिक है, हर जगह पे एनालिटिक एवरीवेयर, बट मोड ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक। ठीक है, ये कहीं पे भी एनालिटिक नहीं है, नो वे हर एनालिटिक। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बट एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक। ठीक है, एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक, तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं। अब ऑप्शन देखिए, बी में क्या कहा, एफ इज एनालिटिक, इनकरेक्ट हो गया। सी एफ इज ए कॉन्स्टेंट, जो हमने लिया है यहाँ पे कॉन्स्टेंट तो नहीं है, ये भी इनकरेक्ट। अगर हम यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट करें तो फंक्शन आपका क्या है, जेड अपॉन मोड ऑफ जेड, तो इसकी तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। सपोज दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई, सॉरी प्रोडक्ट है ये, प्रोडक्ट एन 1 to 17 जेड माइनस पाई बाई 7 एंड जेड बिलोंग्स टू सी एंड गामा टी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2iT। यहाँ पे जो सर्कल है उसके टू राउंड्स यहाँ पे हैं। ठीक है, टी बिलोंग्स टू 0 to 2π, ओके, टी बिलोंग्स टू 0 to 2π। इफ इंटीग्रेशन एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू एल्फा पाई आयोटा देन द वैल्यू ऑफ एल्फा, तो हमें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जीरोज फाइंड आउट करूँ कि इसकी जीरोज कितनी होंगी इस सर्कल के अंदर। ठीक है, तो जो आपके पास ये सर्कल है यूनिट सर्कल, इसके टू राउंड्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो अगर दो राउंड यहाँ पे लगाए हैं तो जो आपके पास आर्गुमेंट प्रिंसिपल है उसमें हम क्या कर देंगे, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आर्गुमेंट प्रिंसिपल क्या था, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल क्या है आपके पास, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल है इज इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ डैश जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2π इंटू नंबर ऑफ जीरोज माइनस नंबर ऑफ होल्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए, हमें टू राउंड सर्कल दिए हुए हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इन आवर क्वेश्चन सर्कल के टू राउंड दिए है ना, टू राउंड सर्कल, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ डैश जेड अपॉन, अगर थ्री राउंड्स होंगे तो थ्री से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू इंटू 2π iota (n-p), ओके, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हमें नंबर ऑफ जीरोज एंड नंबर ऑफ पोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो आपके पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एन 1 to 17 जेड माइनस पाई बाई एन, तो यहाँ पे जब रखोगे तो ये क्या आ जाएंगे, ये होगा आपके पास 1 माइनस
पाई बाई एन, वन माइनस पाई बाई टू, सॉरी जेड है ये, जेड माइनस, और जेड माइनस पाई बाई थ्री, जेड माइनस पाई बाई फोर, जेड माइनस पाई बाई फाइव, अप टू जेड माइनस पाई बाई सेवनटीन। ठीक है, तो अगर हम जीरोज की बात करें तो जीरोज क्या होंगी, जीरोज ऑफ एफ ऑफ जेड क्या होगी, पाई बाई एन, सॉरी एन की जगह पे वन रखना है ना, पाई बाई वन, पाई बाई टू, पाई बाई थ्री, पाई बाई फोर, पाई बाई फाइव, अप टू पाई बाई सेवनटीन। ठीक है, तो हमें कहाँ पे फाइंड आउट करनी है, आपके पास जो आर टी है वो क्या दिया हुआ है, ई रेज टू द पावर टू आयोटा टी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस रीजन के अंदर देखनी है रेडियस वन। ठीक है, जीरो टू टू पाई, जीरो टू टू पाई। अब यहाँ पे जो पाई की वैल्यू होती है वो क्या है, ट्वेंटी टू बाई सेवन, ट्वेंटी टू बाई सेवन यानी कि थ्री पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे ट्वेंटी टू बाई फोर्टीन। आपकी जो जीरोज स्टार्ट होंगी यहाँ पे वो आपकी होंगी यहाँ से पाई बाई फोर से। ठीक है, जो आपकी रीजन के अंदर आएंगी यहाँ से यहाँ तक आपकी जीरोज हो गई 14, और नंबर ऑफ पोल्स तो यहाँ पे है ही नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ भी जीरो हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ से आएंगी 14। ठीक है, तो यहाँ पे रख दीजिए आप, जब आप रखोगे यहाँ पे तो टू इंटू टू पाई आयोटा, और ये हो जाएगी 14 यानी कि 56 पाई आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 56, तो ये हो जाएगा आपका 56। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी कुछ इसी टाइप का है। इफ गामा टी इज इक्वल टू 1 बाई जेड ई रेज टू द पावर 3 पाई आयोटा, ये 1 बाई टू है, ये दिस इज 1/2। इफ गामा टी इज इक्वल टू 1/2 ई रेज टू द पावर 3 पाई आयोटा टी एंड टी बिलोंग्स टू 0 to 2 एंड इंटीग्रेशन 1/z² ई रेज टू द पावर जेड माइनस 1 डी जेड इज इक्वल टू बीटा पाई आयोटा देन बीटा। ठीक है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को जल्दी से बताइए। बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पे सिर्फ क्या फर्क है कि जो सर्कल है उसके 3 राउंड्स हैं, क्योंकि 3 पाई आयोटा है वहाँ पे 2 राउंड्स थे। तो कैसे करोगे इसको, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, एफ ऑफ जेड क्या है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल से कर लिया था। और इसको कैसे करोगे, इधर हमें बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 1/z² ई रेज टू द पावर जेड माइनस 1, है ना, तो यहाँ पे जो जीरो है जेड इज इक्वल टू 0 वो पोल हो जाएगा, और कितने ऑर्डर का, देखिए जेड स्क्वेयर है तो 2 ऑर्डर का, तो यहीं से हो गया। और ई रेज टू द पावर जेड माइनस 1 ये जीरो कहाँ पे देगा, अगर हम जेड को 0 ले लें तो वहाँ पे, यानी कि जो 0 है यहाँ पे पोल हो जाएगा ऑफ ऑर्डर 3 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 पे रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे, और 0 पे रेजिड्यू फाइंड आउट यानी कि कोफिशियंट ऑफ 1/z इन लोरिएंट सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, तो लोरिएंट सीरीज एक्सपेंशन निकाल के और 1/z का कोफिशियंट देख लेंगे क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए क्या होगा, देखो एफ ऑफ जेड क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z² ई रेज टू द पावर जेड माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जेड इज इक्वल टू 0 इज ए पोल, इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो रेजिड्यू क्या होगा, रेजिड्यू एट 0 1/z² ई रेज टू द पावर जेड माइनस 1 क्या होगा, कोफिशियंट ऑफ 1/z इन लोरिएंट सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, लोरिएंट सीरीज एक्सपेंशन से जो 1/z का कोफिशियंट आएगा वो क्या हो जाएगा, रेजिड्यू। ओके, तो लोरिएंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ जेड अबाउट जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1/z² ई रेज टू द पावर जेड माइनस 1, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/z² एंड दिस इज ई रेज टू द पावर जेड माइनस 1 इनवर्स होगा,
और ये होगा वन अपॉन जेड स्क्वेयर। जब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, वन प्लस जेड प्लस जेड स्क्वेयर, ये ई रेज टू द पावर जेड की एक्सपेंशन हमने ओपन कर दी यहाँ पे, जेड क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल अप टू, लास्ट में आपके पास माइनस वन भी है एंड दिस इज माइनस वन। तो यहाँ से देखिए माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है, और इधर आपके पास क्या रहेगा, दिस इज वन अपॉन जेड स्क्वेयर जेड प्लस जेड स्क्वेयर बाई टू फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल अप टू सोन एंड इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ठीक है, तो क्या होगा इज इक्वल टू वन अपॉन, ये अगर मैं यहाँ पे जेड स्क्वेयर है तो जेड इनवर्स, जेड कॉमन ले लीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा वन प्लस जेड बाई टू फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वेयर बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस अप टू इनवर्स, तो ये आपके पास होगा वन अपॉन जेड क्यूब, और ये क्या होगा इज वन माइनस जेड बाई टू फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वेयर बाई थ्री फैक्टोरियल अप टू, और यहाँ पे आएगा आपके पास दिस इज जेड अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वेयर अपॉन थ्री फैक्टोरियल अप टू, ये आपका स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए वन बाई जेड का कोफिशियंट कहाँ पे मिलेगा आपको, वन बाई जेड का कोफिशियंट आपको मिलेगा यहाँ पे इधर, ठीक है, जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो वन बाई जेड का कोफिशियंट यहाँ मिलेगा, कोफिशियंट ऑफ वन अपॉन जेड, एक तो आपका यहाँ मिलेगा और एक आपको कहाँ पे मिल सकता है वन अपॉन जेड, एक आपको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन सिक्स प्लस वन अपॉन फोर, यानी कि वन अपॉन ट्वेल्व, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन वन अपॉन जेड स्क्वेयर ई रेज टू द पावर जेड माइनस वन डी जेड, ठीक है। अब आपके पास सर्कल के थ्री राउंड्स है तो थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये होगा वन अपॉन ट्वेल्व इंटू टू पाई आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा फोर और ये टू, तो ये हो जाएगा पाई आयोटा बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से जो बिट्टा की वैल्यू है, बिट्टा आपके पास आ जाएगा दिस इज वन बाई टू, ठीक है। तो ये थे आपके 2020 के क्वेश्चन, अब हम देख लेते हैं 2019 के, ठीक है, 2019 में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो देख लीजिए। ओके, स्टेटमेंट रीड कीजिए एक बार आप जल्दी से, क्या है स्टेटमेंट, देखिए आपका जो एग्ज़ाम है ना बिल्कुल पास में है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक साथ किए है, थोड़ा लेंथी है बट ज़रूरी है करना। ओके, क्या है क्वेश्चन आपके पास 2019 में, जो फर्स्ट ही क्वेश्चन है क्या है, एफ फ्रॉम सी टू सी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वेयर प्लस आयोटा वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर वाई एंड आयोटा जो है वो क्या है स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस वन, ये तो सबको ही पता है ना। लेट एफ डैश जेड डिनोट द डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट इज एफ डैश वन प्लस आयोटा एग्जिस्ट एंड मोड ऑफ एफ डैश वन प्लस आयोटा इज थ्री स्क्वेयर रूट ऑफ फाइव, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड एफ इज एनालिटिक एट द ओरिजन एंड थर्ड इज एफ इज नॉट डिफ्रेंशिएबल एट आयोटा एंड लास्ट इज एफ इज डिफ्रेंशिएबल एट वन, तो कैसे करोगे। देखिए एनालिटिक के लिए तो हम सबसे पहले सी आर इक्वेशन देख सकते हैं कि अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती होगी ना तो कभी भी एनालिटिक नहीं होगा आपका फंक्शन, ठीक है, देख सकते हो आप सी आर इक्वेशन। देखिए अब यहाँ पे देखो कि जो रियल पार्ट है वो क्या है आपके पास, यू ऑफ एक्स वाई जो है यू ऑफ एक्स वाई है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वेयर एंड वी ऑफ एक्स वाई यहाँ पे क्या है इज वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर वाई, पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए यू एक्स क्या आएगा थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री वाई स्क्वेयर, यू वाई यहाँ से हो जाएगा इज सिक्स एक्स वाई। ओके, वी एक्स इज वी एक्स क्या होगा वी एक्स सिक्स एक्स वाई एंड वी वाई यहाँ से हो जाएगा थ्री वाई स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो सी आर इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे चेक करें तो सी आर इक्वेशन में होता है यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा बट यू
वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स, ये चीज़ आपकी सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, सी आर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज एफ इज नॉट एनालिटिक, ठीक है, जो फंक्शन है वो आपका एनालिटिक नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोल दिया, एट ओरिजन, तो क्या ओरिजन पे है, देखिए इसने ओरिजन की बात कर दी, ओरिजन पे तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिक्कत इसको कहाँ पे आएगी, ये आपके पास क्या है, टू एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको दिया हुआ है सॉरी सिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू, ये कब होगा, सिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिक्स एक्स वाई, यानी कि ट्वेल्व एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आएगा, आइदर एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो, या फिर दोनों भी जीरो हो सकते। तो ओरिजन पर तो ये हो ही जाएगा एनालिटिक, है ना, तो मेरे को नहीं लगता कि ओरिजन पे तो दिक्कत आएगी इसको, है ना। तो यहाँ से बी ऑप्शन जो है, अगर ओरिजन की बात की है तो ओरिजन पे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम डिफ्रेंशिएबल चेक कर लेते हैं कि जो फंक्शन है वो डिफ्रेंशिएबल कहाँ पे होगा। देखिए जो, तो फंक्शन की डिफ्रेंशिएबिलिटी के बारे में भी हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो कहाँ पर डिफरेंशियल होगा, या तो एक्स जीरो होना चाहिए या फिर वाई जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, आइदर एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अगर हम बात करें एफ ऑफ, ओके यहाँ पे क्या कहा, एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट आयोटा की बात की है, सॉरी आयोटा, आयोटा के बारे में बोला है ना। तो यहाँ से देखिए एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट आयोटा, अगर हम सी ऑप्शन को लेके चलें तो आयोटा को आप कैसे लिख सकते हो, जीरो प्लस वन इंटू आयोटा। तो एक्स यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मैंने यही कहा था कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा, या तो एक्स जीरो हो या फिर वाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ इज डिफरेंशिएबल एट आयोटा, है ना, एट आयोटा। लेकिन यहाँ पे नोट बोल दिया तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा इनकरेक्ट, ठीक है। इसमें इसने कहा वन पे ये डिफरेंशिएबल होगा, वन को आप लिख सकते हो वन प्लस जीरो आयोटा, वाई यहाँ पे जीरो हो गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ए में क्या कहा, एफ डैश वन प्लस आयोटा एग्जिस्ट एंड इसका जो मॉडुलस है वो क्या होगा, थ्री स्क्वेयर रूट ऑफ फाइव। अब देखिए अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो एफ डैश वन प्लस आयोटा, अब ये है आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा। तो एक्स आपके पास वन है, ये भी नॉन जीरो, और वाई भी यहाँ पे वन है, वो भी नॉन जीरो। तो इनमें से एक तो आपके पास जीरो होना था, तो यहाँ से जो फंक्शन है कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो जो ए ऑप्शन है वो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ए ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। ओनली बी एंड डी ऑप्शन मेरे को यहाँ पे सही लग रहे हैं, तो देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेट अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर आयोटा फाइव जेड डी जेड अपॉन टू जेड स्क्वेयर माइनस फाइव जेड प्लस टू एंड सी सच दैट कोस टी प्लस आयोटा साइन टी वेयर टी लाइंग बिटवीन जीरो टू टू पाई देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा। हमें यहाँ पे अल्फा का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है, उससे पहले अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसको कोसी रेजिडू थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हो। कोसी रेजिडू थ्योरम क्या बोलती है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू टू पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिडू ऑफ एफ ऑफ जेड विद इन सी, ठीक है। तो आपके पास जो सी दिया हुआ है उसके अंदर पहले सिंगुलैरिटी फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या क्या सिंगुलैरिटी है, और फिर उस पर हम रेजिडू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब एफ ऑफ जेड आपके पास जो दिया है उसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। पहले एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, यानी कि अल्फा जो आपके पास है ई रेज टू द पावर आयोटा पाई जेड अपॉन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जेड माइनस टू इंटू टू जेड माइनस वन, ठीक है। तो अगर हम इसकी सिंगुलैरिटी की बात करें तो क्या आएंगी, सिंगुलैरिटी ऑफ
एफ ऑफ जेड क्या होगी, एक तो होगी टू एंड सेकंड आपके पास क्या होगी, जेड इज इक्वल टू वन बाई टू। ठीक है, ये दो सिंगुलैरिटी हो जाएंगी यहाँ पे और दोनों की दोनों क्या है, सिंपल पोल, सिंपल पोल। ठीक है, उसके बाद जो कोसी रेजिड्यू थ्योरम है वो क्या बोलती है, कोसी रेजिड्यू थ्योरम क्या कहती है, कोसी रेजिड्यू थ्योरम, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू टू पाई आयोटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड विद इन सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो सी है ई रेज टू द पावर आयोटा टी है ना, तो अगर हम सर्कल ड्रॉ करें तो आपका ये बनेगा ई रेज टू द पावर आयोटा टी, तो ये आपका वन एंड दिस इज माइनस वन। सिंगुलैरिटी आपके पास क्या आई हुई है, एक तो है वन बाई टू तो ये तो आपका इनसाइड ही है, सेकंड आपके पास आई है टू तो ये आपकी हो गई आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी इनसाइड द सर्कल, तो एक ही सिंगुलैरिटी हुई इनसाइड तो है ना, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा दिस इंप्लाइज एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू टू। ठीक है, तो यहाँ से आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू टू पाई आयोटा और यहाँ से आएगा रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू वन बाई टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू पाई आयोटा एंड लिमिट रेजिड्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, लिमिट एट जेड टेंड टू वन बाई टू और ये होगा जेड माइनस वन बाई टू ई रेज टू द पावर आयोटा पाई बाई टू एंड यहाँ पे क्या होगा, दिस इज टू इन टू जेड माइनस टू और ये हो जाएगा जेड माइनस वन बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा दिस इज ये आपका कैंसिल होगा और इधर से टू पाई और यहाँ पे जब वन बाई टू रखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास टू बाई थ्री और ये होगा 44/21। तो अल्फा की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी, 44/21 बट हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ये आपकी होगी 2 point something तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा लेस देन इक्वल टू अल्फा बट यहाँ पे पॉइंट्स में है तो लेस देन में ही आएगा तो यहाँ पे 2 point something जो है तो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। लेट एफ फ्रॉम सी टू सी बी नॉन जीरो एंड एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इन जेड इफ कैपिटल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई एफ ऑफ जेड कोट ऑफ पाई जेड फॉर जेड बिलोंग्स टू सी माइनस जेड देन द रेजिड्यू ऑफ एफ एट एन बिलोंग्स टू जेड तो ये क्या होगा। ठीक है, रेजिड्यू फाइंड आउट करना है कैपिटल एफ ऑफ जेड का, कैसे करोगे, देखिए जो आपके पास कैपिटल एफ ऑफ जेड है क्या है, पाई एफ ऑफ जेड कोट को कैसे लिख सकते हो आप, कोस ऑफ पाई जेड अपॉन साइन ऑफ पाई जेड लिख सकते हो है ना। तो यहाँ से अगर हम सिंगुलैरिटी की बात करें तो क्या होंगी, सिंगुलैरिटी ऑफ डिनोमिनेटर को जीरो रखोगे, सिंगुलैरिटी ऑफ कैपिटल एफ ऑफ जेड इज एट साइन ऑफ पाई जेड इज इक्वल टू जीरो तो ये कहाँ पे जीरो देगा, साइन पाई जेड एन पाई पर एंड एन आपका कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर से है ना, तो यहाँ से जेड आपका आ जाएगा एन के इक्वल एंड एन आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ऑफ इंटीजर से, यानी कि यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज आएंगी जेड की सिंगुलैरिटी आएंगी 0 ±1 ±2 up to 100। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रेजिड्यू फाइंड आउट करना है। ओके चलिए, अब देखिए आपके पास सिंपल पोल्स हैं तो रेजिड्यू ऑफ कैपिटल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंड टू एन यहाँ पे क्या आएगा, जेड माइनस एन पाई एफ ऑफ जेड और ये क्या होगा, कोस ऑफ पाई जेड अपॉन साइन ऑफ पाई जेड। जब आप यहाँ पे एन रखोगे तो ये आपकी 0/0 फॉर्म बनेगी, देन बाय लोपिताल रूल ये क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट जेड टेंड टू एन पाई और ये होगा
जेड माइनस एन एफ ऑफ जेड यू इन टू वी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, कोस का हो जाएगा माइनस साइन पाई जेड एंड पाई जेड का होगा पाई, प्लस जेड माइनस एन कोस ऑफ पाई जेड एफ डैस जेड, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय कोस ऑफ पाई जेड इंटू पाई। तो यहाँ पे जब आप जेड की जगह एन रखोगे तो ये क्या होगा पाई एफ ऑफ एन कोस ऑफ पाई एन डिवाइडेड बाय कोस ऑफ पाई एन इंटू पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, ये आपका कैंसिल हो गया और ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ एन, ठीक है। तो रेजिड्यू आपके पास कितना आ गया एफ ऑफ एन, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये भी आपका 2019 का ही क्वेश्चन है। कंसिडर द रीजन ओमेगा फोर होल जेड सच दैट एक्स लाइंग बिटवीन माइनस वन टू टू एंड वाई लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाई थ्री टू पाई बाई थ्री इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, द ट्रांसफॉर्मेशन एक्स प्लस आयोटा वाई कहाँ पे मैप करेगी, ई रेज टू द पावर एक्स प्लस आयोटा वाई पर, ठीक है, यानी कि जेड मैप्स टू ई रेज टू द पावर जेड इन द रीजन ओमेगा ऑन टू द रीजन एस इज द सबसेट ऑफ सी देन द एरिया ऑफ द रीजन एस। हमें यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, एरिया हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले देखिए जो आपके पास ओमेगा जो रीजन दिया है वो आपके पास क्या है, देखो एक्स आपका माइनस वन टू टू के बीच में है, ठीक है, माइनस वन टू और यहाँ पे तो इक्वेलिटी है, ठीक है, चलो ठीक है, ये और क्या है आपके पास माइनस पाई बाई थ्री टू पाई बाई थ्री, माइनस पाई बाई थ्री टू पाई बाई थ्री, ठीक है। तो ये जो रीजन है आपके पास ये आपके पास क्या है कैपिटल ओमेगा, ओके, ये आपके पास क्या है दिस इज कैपिटल ओमेगा। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, और जो हाँ एस आपके पास क्या दिया हुआ है, इमेज दी हुई है ई रेज टू द पावर जेड अंडर ओमे अंडर ई रेज टू द पावर जेड ओमेगा की जो इमेज है वो आपके पास क्या है एस, ठीक है, ये इमेज दी हुई है और एस का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ देखिए क्या होती है कि अगर आपके पास इस टाइप से रीजन दिया हुआ हो एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए एंड दिस इज माइनस पाई टू पाई, तो ये आपका कहाँ पे मैप करता है सर्कल पे मैप करेगा विद रेडियस ए, ठीक है, एक सर्कल पे मैप करेगा विद रेडियस ए। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है वो चीज़ देख लीजिए, अब हमको यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आपके पास है, हम यहाँ पे ब्लैक ही ले लेते हैं, चलो आपके पास क्या है एक रेक्टेंगल है माइनस वन टू, ठीक है, माइनस पाई बाई थ्री टू पाई बाई थ्री, ठीक है, तो ये आपके पास रीजन है। तो ये कहाँ पे मैप करेगा, हमें इतना पता है कि एक सर्कल पे मैप करेगा, अब वो जो रीजन है वो आपके पास क्या होगा रेडियस क्या होगी, ठीक है, तो ये देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या है एट एक्स इज इक्वल टू इधर टू है उधर आपके पास माइनस वन है, ठीक है, तो रेडियस यहाँ पे आपके पास होगी एक आपके पास ई रेज टू द पावर टू रेडियस का होगा और एक आपके पास होगा ई रेज टू द पावर माइनस वन रेडियस का, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि माइनस पाई बाई थ्री टू पाई बाई थ्री है, ठीक है, तो वन थर्ड पार्ट हमें लेना है, तो ई रेज टू द पावर माइनस पाई बाई थ्री ये होगा एंगल माइनस पाई बाई थ्री और ये हो जाएगा आपके पास पाई बाई थ्री, ठीक है, तो एक हमें यहाँ पे सर्कल लेना है ई रेज टू द पावर माइनस वन का, तो एक तो आपके पास सर्कल हो जाएगा ये जिसकी रेडियस कितनी है ई रेज टू द पावर माइनस वन, ठीक है, एक आपके पास सर्कल हो जाएगा ये जिसकी रेडियस कितनी है ई रेज टू द पावर टू, ठीक है, तो आपके पास जो रीजन होगा अब जो ऐसा आपके पास जो इमेज होगी वो आपके पास ये हो जाएगी, ठीक है,
ये यहाँ से इरेज हो गया साथ में ही, ये यहाँ पे कर लेना ठीक है। दिस इज़ 5/3 ठीक है, तो ये हो जाएगा जो रीज़न होगा ठीक है, क्योंकि हमें 1/3 पार्ट ही लेना है सिर्फ। उसके बाद हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपके पास एक R1 रेडियस है और एक R2 रेडियस है ठीक है, तो एरिया क्या होगा, एरिया बोलिए जल्दी से। तो ये तो आपके पास क्या हो गया, S हो जाएगा, S हो गया, इमेज आपकी क्या हो गई, S। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया क्या होगा, नाउ एरिया ऑफ S। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो आपका ये जो छोटा सर्कल है ना, इसका एरिया निकाल लेंगे ठीक है। आपके पास जो ये एक तो ये सर्कल है, इसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे और इसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास ये रीजन आ जाएगा ठीक है, उसके बाद ये रीजन आ जाएगा ओके। चलिए तो फर्स्ट सर्कल का एरिया आपके पास पाई R1 स्क्वेयर माइनस पाई R2 स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा, पाई ई, ये आप R1 मान लीजिए, R2, तो ये क्या हो जाएगा, पाई E2 स्क्वेयर माइनस पाई E-1 2, तो ये हो गया आपके पास पाई e^4 माइनस e^-2। अब हमें 1/3 पार्ट का निकालना है, तो 1/3 पाई e^4 माइनस e^2 ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे जो एरिया है, ये हो जाएगा पाई बाई 3 e^4 माइनस e^-2 ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 2019 का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, लेट एफ फ्रॉम सी टू सी बी फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू z^6 माइनस 5z^4 प्लस 10 देन द नंबर ऑफ जीरोज। देखिए यहाँ पे हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करनी है, और आपको पता है कि जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो हम रोज थ्योरम से काफ़ी आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं, बहुत से क्वेश्चन कर लिए हमने इस टाइप के। तो देखिए अगर हम रोज थ्योरम को अप्लाई करें, तो जी ऑफ जेड आप यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए कि z^6 प्लस 10, और एच ऑफ जेड आप ले लीजिए माइनस 5z^4। तो मोड ऑफ एच ऑफ जेड क्या आएगा यहाँ से, ये आपका आ जाएगा 80, क्योंकि यहाँ पे देखिए मोड ऑफ जेड जो है वो लेस देन 2 दिया हुआ है ठीक है। एंड मोड ऑफ जी ऑफ जेड जब आप करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इज 74। तो यहाँ से देखिए मोड ऑफ एच ऑफ जेड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मोड ऑफ जी ऑफ जेड ठीक है। तो जो एच ऑफ जेड है इसके पास नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, नंबर ऑफ जीरोज कितनी है इसके पास, 4 है ठीक है, इनसाइड द सर्कल सी, क्योंकि आपके पास जो सर्कल है वो ये है, तो जीरो आपकी यहीं पे है। दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एच जेड प्लस जी जेड यानी कि एफ ऑफ जेड, इसके पास भी नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, 4, हमें यही फाइंड आउट करना था ठीक है। तो ये आपके हो गए 2019 तक के, वैसे तो हम आज 18 के भी करने वाले थे, बट बहुत ही लेंथी लेक्चर चला जाएगा ऐसे तो, आप है ना सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कल स्टार्ट करते हैं 2018 का, और कल हमें वैसे LPP भी करना है, चलो देखते हैं कौन सा हो पाएगा, बट आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, क्योंकि देखिए बहुत ही लेंथी हो जाएगा लेक्चर ऐसे तो। आप लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है ठीक है। थैंक यू सो मच।